आई होप ये या क्लाउड रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। जो पॉइंट बेसिकली मैंने बीबीसी में डिस्कस किया हुआ था और अभी आप लोग से इन डिटेल में डिस्कस करूंगा, वो है कि जब आप लोग फेसबुक एड्स पे जाते हो, और ये मैं आप लोग को अपनी पीएल लॉन्चेस से भी रिलेटेड बता रहा हूँ। अभी एक जो चैलेंज सबको फेस हो रहा है वो ये कि फेसबुक एड्स पे लोग, मेजोरिटी लोग ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि मतलब अगर आप लोग अपनी पीएल लॉन्चेस के लिए बीबीआरओस कर रहे हो, बंबू लॉन्च कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, एमसी फ्लो चला रहे हो, तो उसपे आप लोगों ने एक वेव चल रही है जिसमें मेजोरिटी लोग ये बात कर रहे हैं कि यार हमारी जो कॉस्ट पर मैसेज है या ओवरऑल जो पहले हमारी जो कन्वर्जन होती थी, क्योंकि इम्पैक्ट पूरा पीछे से चलता हुआ आ रहा होता है आपके पास, ठीक है, वो बढ़ गई है। पहले लोगों के पास कॉस्ट पर मैसेज 0.3 to 0.5 डॉलर के बीच में आता था, एंड अब थोड़ा सा ये चीज चेंज हो गई है। मैं कोई स्क्रीन नहीं दिखा रही अभी आप लोगों को, स्क्रीन में शेयर कर दूंगा, ठीक है। अब चीजें थोड़ी सी चेंज हो गई हैं और लोग ये बोल रहे हैं कि क्या मसला हो गया ऐसा फेसबुक एड्स के साथ कि अब हमारे पास कॉस्ट पर मैसेज भी 10 1 डॉलर पे आ रहे हैं, ऑलमोस्ट नियर टू 1 डॉलर। कुछ लोगों का 0.7 पे आ रहा होगा, आई एम नॉट सेइंग कि नहीं आ रहा होगा, लेकिन ओवरऑल ये एक बढ़ गया है इसका इम्पैक्ट। हाउ मेनी ऑफ यू वुड अग्री कि हाँ ये कुछ लोग फेस कर रहे हैं, या अभी कुछ ऑब्वियसली कुछ हर कोई इस फेज में नहीं आया हुआ होगा, लेकिन काफी लोग ये चीज फेस कर रहे होंगे। हाउ मेनी ऑफ यू आर गाइज आर एक्चुअली फेसिंग दिस एट योर एंड कि कॉस्ट पर मैसेज या जो अल्टीमेट रिजल्ट है वो थोड़ा सा आप लोग का बढ़कर आ रहा होगा। मैं जरा इंटरनेट इंटरनेट जो है स्विच कर रहा हूँ। ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ Q4 इट इज हाई, बट यू गाइस हियर मी? ओके जी, तो अब ये ओके, सो यासिर मिर्जा ने अच्छा जवाब दिया है। Q4 में जब फेसबुक से हमारी बात हुई थी, आई ऑलमोस्ट 6 to 7 months अगो, और लास्ट ईयर भी बात हुई थी, तो हमसे फेसबुक ने डायरेक्टली ये बोला था कि कंपटीशन जो है इन द फेसबुक एड्स मार्केट प्लेस वो Q4 में जनरली पूरी दुनिया में ही हाई हो जाता है, बिकॉज खासकर हर कोई अपना साल अच्छे नोट पे क्लोज करना चाह रहा होता है, तो बिडिंग कंपटीशन जो है वो बढ़ जाता है, लोग ज्यादा बिड कर रहे होते हैं अगेंस्ट ईच अदर्स एड्स, तो जब बिडिंग कॉस्ट ऊपर जाती है ऑटोमेटिकली आपकी सारी कॉस्ट उससे अफेक्ट होती है। बट अगर आप लोग को मेरी स्लाइड्स याद हो तो फेसबुक आपको सिर्फ बिडिंग के ऊपर नहीं स्लॉट दे रहा होता है, ये बात अपने आप लोग अपने दिमाग से बांध लें, ठीक है। फेसबुक अपनी जो कॉस्ट, अगर आप लोग को ये लगता है, फॉर एग्जाम्पल मैं हूं और मेरे अलावा आप में से कोई एक और है, आप लोग अपने आप को ही समझ लो कि हम दोनों की मार्केट सेम है, प्रोडक्ट सेम है, ठीक है, बिडिंग मतलब दोनों के जो है ना बजट सेम लगे हुए हैं और ऑटोमेटिक बिडिंग पे लगा हुआ है, हम लोग का बैक एंड पे ऑटोमेटिक बिडिंग पे लगा हुआ है, ठीक है। सिर्फ एक चीज डिफरेंट है, विच इज प्रोबेबली ऑफर में कोई चेंज हो सकता है, या वीडियो एड हम लोग का डिफरेंट है, एक शख्स का डिफरेंट है दूसरे शख्स का डिफरेंट है, या जो भी मतलब इस एंड पे थोड़ी सी चेंजेस है, प्रोडक्ट सेम है, इवन चलो ऑफर भी सेम है, ठीक है, लैंडिंग पेज भी सेम है। फिर अब सिर्फ सिचुएशन ये है कि ले सपोज और बजट्स भी सेम है, और अगर मैं एड चलाता हूं और दूसरा मेरा कॉम्पिटिटर भी ऑन द सेम डे एड चलाता है, किसका किसको एड स्लॉट पहले देगा फेसबुक? इस बारे में मैंने बात करी थी आप लोग से, मेरा एक सेशन ही सर्विस चीज के ऊपर था कि फेसबुक पहले एड स्लॉट किसको देगा, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, एड एड स्लॉट पहले किसको देगा? दूसरी चीज के कॉस्ट पर क्लिक या सीपीएम बेटर रेट्स किसको देगा? जिसका एड एक्सपीरियंस अच्छा होगा, जिसकी एंगेजमेंट बेहतर होगी अपने एड पे, ठीक है,
जिसके जिस पे जो कस्टमर्स जिनके एड को देख के ज्यादा हिंज्ड हो जाते हैं और उसके साथ एंगेज करते हैं, जिनका क्लिक थ्रू रेट, कपल ऑफ थिंग्स, जिस वीडियो एड में एंगेजमेंट हाई होगी, क्लिक थ्रू रेट हाई होगा, लोग ज्यादा देर तक उस वीडियो को देखेंगे, मतलब लेसन से लेट्स से थ्रू एंड थ्रू, लेट्स सपोज इबाद ने वीडियो बनाई हुई है, एग्जाम्पल दे रहा हूं, एक मिनट की, मैंने 15 सेकंड की बनाई हुई है, ठीक है, फेसबुक के पास ये इंप्रेशन जा रहा है कि यार इसकी 15 मिनट की वीडियो को पूरा पूरा देखा जा रहा है, और फिर 15 मिनट की वीडियो को पूरा सिर्फ देखा नहीं जा रहा है, लोग इबाद की वीडियो पे, लेट्स सपोज इबाद की वीडियो 15 सेकंड की, मेरी एक मिनट की, इबाद की वीडियो पे जो है ना अप टू लेट्स से 5% क्लिक थ्रू रेट है, मैं उसी प्रोडक्ट की वीडियो चला रहा हूं और मेरी वीडियो पे 5% की जगह 1 या 2% क्लिक थ्रू रेट है और 1% क्लिक थ्रू रेट है, ठीक है। फेसबुक के आप लोग याद रखिएगा, अभी जो मैं आप लोग को बात बताने जा रहा हूं, ठीक है, जब आप लोग फेसबुक एड्स मैनेजर खोलो, मैट्रिक्स देख चेक करिएगा आप लोग, एक चीज काम कर, जो बाय डिफॉल्ट मैट्रिक्स होते हैं उनको चेंज मत कीजिएगा, अपने कैंपेन लेवल पे जाएं, फिर किसी भी कैंपेन को सेलेक्ट करके आप लोग एड लेवल पे जाएं, एडसेट लेवल पे जाने के बाद किसी भी एक एडसेट को सेलेक्ट करके या सारे एडसेट को सेलेक्ट करके आप लोग आखिरी में जाएं एड लेवल पे। मैं कोई चीज शेयर नहीं कर रहा हूं, मैंने स्क्रीन शेयर नहीं करी भी बाय द वे, जस्ट सो दैट यू गाइस नो। दूसरी बात, प्लीज यहाँ पे कोई वॉइस पे बात ना करें, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया, मैं अभी जब मुझे स्क्रीन शेयर करनी होगी तो मैं कर दूंगा, अभी मैं सिर्फ आप लोग से कॉन्सेप्ट शेयर कर रहा हूँ। आप लोग एड लेवल पे जाएं या डायरेक्टली यू कैन जस्ट स्किप कैंपेन को भी सेलेक्ट मत करें, आप लोग एड सेट को भी सेलेक्ट नहीं करें, आप लोग डायरेक्टली जो एड का जो वो होता है ना टैब, कैंपेन एड सेट एंड एड्स, उसके ऊपर क्लिक करें, उस पे 3 मैट्रिक्स एडिशनल ऐड करे हुए होते हैं फेसबुक ने, जो बाय डिफॉल्ट आपको एड सेट और कैंपेन लेवल पे नजर नहीं आएंगे, आप लोग को सिर्फ एड लेवल पे वो नजर आएंगे, वो है क्वालिटी ऑफ द एड, एंगेजमेंट ऑफ द एड, एंड तीसरा एक और था मेरे जहन से निकल रहा है, ठीक है। पहले फेसबुक इन तीनों को मिला के इसको एक नाम देता था, वो बोलता था रेलिवेंसी स्कोर, एड रेलिवेंसी स्कोर, जिसको हम गूगल एड्स पे बोलते हैं क्वालिटी स्कोर। पहले फेसबुक इन तीनों को मिला के एक नाम देता था रेलिवेंसी स्कोर। आउट ऑफ 10 होता था, एनी एड विच वॉज बिलो 5 or 6 वॉज कंसिडर्ड वेरी पुअर एड, ठीक है। सो 7, 8, 9, 10 वॉज कंसिडर्ड, 7 से लेकर गुड होता था और फिर ऊपर जितना जाते थे वेरी गुड एंड एक्सट्रीमली गुड। तो रेलिवेंसी is a metric which actually, let's suppose, जो मैंने आपको अभी सिचुएशन दी कि मेरा और इबाद का प्रोडक्ट सेम है, लैंडिंग पेज सेम है, ऑफर सेम है, सब कुछ सेम है, सिर्फ एक चीज डिफरेंट है, विच इज द वीडियो एड। इबाद किसी तरह की वीडियो चला रहा है, मैं किसी तरह की चला रहा हूँ, इबाद ने जो है ना मतलब लो क्वालिटी वीडियो रखी हुई है, उसमें सिंपल सिर्फ प्रोडक्ट का यूज बताया हुआ है, ठीक है, और मैंने बहुत रिसर्च करी R&D और बकायदा मैंने किसी एजेंसी से वीडियो बनवाई है, बड़ी ऑप्टिमाइज्ड हाई क्वालिटी, और उसमें मैंने पेन पॉइंट्स बताए हुए हैं, ऑफर बताई हुई है, फीचर्स बताए हुए हैं, ठीक है, भले से वो वीडियो ऑप्टिमाइज्ड है इन टर्म्स ऑफ लेंथ एज वेल। तो अगर मेरी रेलिवेंसी, इट इज हाईली लाइकली मेरी रेलिवेंसी या मेरे क्वालिटी स्कोर, एंगेजमेंट स्कोर, और तीसरा एक और स्कोर होता है जो मेरे जहन से निकल रहा है, शायद अगर आप लोग में से किसी को अभी याद आ रहा है तो आप लोग शेयर कर दो, मेरे पास स्क्रीन नहीं है, ठीक है, क्वालिटी रैंकिंग, ठीक है, क्वालिटी रैंकिंग आई थिंक इज द फर्स्ट वन, एंगेजमेंट रैंकिंग और फिर तीसरा होता है, बहरहाल नेवर माइंड। तो पहले रेलिवेंसी स्कोर अगर मेरा और इबाद का ऑल टुगेदर तीनों का मिला के अगर रेलिवेंसी स्कोर मेरा 7 है या 8 है और इबाद का 3 है या 4 है, बी एट प्रोडक्ट सेम हो, बी एट बजट सेम हो, सारी चीजें सेम हो, भले से फेसबुक हमेशा उस एड को ज्यादा तरजीह देगा जिस पे एंगेजमेंट, जिसका क्लिक थ्रू रेट, जिसकी ऑफर कंपैरेटिवली अगर सेम भी है तो चलो ठीक है, लेकिन अगर ऑफर बेटर है तो ये सारी चीजें एक्चुअली
आपका ओवरऑल सीपीसी सीपीएम ओवरऑल कम करती हैं, जब ये सारी चीजें कम होती है तो आपको ऑटोमेटिकली कॉस्ट पर रिजल्ट कम होता है, आपके एंड रिजल्ट के ऊपर जो होती है ना कॉस्ट ऑटोमेटिकली कम आती है। तो मैं एट एनी गिवन टाइम, और आप लोग कभी फेसबुक एड एक्सपर्ट से भी पूछ लीजिएगा जो फेसबुक की ऑर्गेनाइजेशन में बैठे हुए होते हैं, ठीक है, दे आर टोल्ड ओवर एंड ओवर अगेन बाय देयर हायर अथॉरिटीज, कीप टेलिंग योर कस्टमर्स विच इज अस बेसिकली हु आर रनिंग एड्स ऑन देयर प्लेटफॉर्म, के सबसे सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सबसे पहली चीज जो है, बाद में सारी चीजें आएंगी, बाकी चीजें भी बहुत प्रायोरिटी रखती हैं, लेकिन द फर्स्ट थिंग विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एट एनी गिवन टाइम इज योर वीडियो एड और वीडियो एसेट्स और इमेज एसेट्स दैट यू यूज दैट कम इन फ्रंट ऑफ योर ऑडियंस। वो आपका पहला फुटप्रिंट बनती है आपकी वेबसाइट या आपकी प्रोडक्ट लिस्टिंग पर। अगर आप उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज करते हो तो आप ओवरऑल अपनी कॉस्ट हाई जाती है और आप अपने रिजल्ट्स के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करते हो, ये गिवन बात है। जो ये समझता है कि नहीं वीडियो एड मैं एवं ही रखता हूं नॉर्मल सी या किसी से कॉपी करके या समथिंग, या मैं बस लो क्वालिटी रखता हूं कुछ नहीं होता यार सस्ते से चला लेता हूं मैं, और वो ये सोचता है कि वो बड़ी ही कोई साइंस लड़ा के अच्छी टारगेटिंग कर सकता है और बहुत जबरदस्त एड कॉपी रख सकता है और उसके पास उस पे अब उसके ही कॉम्पिटिटर से बेहतर रिजल्ट्स आएंगे, देन ही और शी इज एब्सोल्युटली रॉन्ग एट एनी टाइम। देयर शुडंट बी एनी कॉम्प्रोमाइज ऑन योर फर्स्ट फर्स्ट जो स्टेप है आपका, जो सबसे पहला आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बनता है विद योर कस्टमर्स, ठीक है। एक तो ये चीज हो गई, एक सेकेंड रुकिएगा जरा। देखिए अब इन्होंने अच्छा राजा अच्छा सो अनस का सवाल अभी ये है कि अगर क्लिक थ्रू रेट इंक्रीजेस 1% इंक्रीजेस 1% मतलब अगर आपका मतलब ये तो नहीं अगर 1% है आपका क्लिक थ्रू रेट तो शुड बी टर्न ऑफ द एड्स, इफ दैट्स व्हाट यू मीन जस्ट टाइप यस। सो राजा हसन का सवाल है एंड इट इज अ गुड वन कि वीडियो एड वर्सेस इमेज एड कन्वर्जन डिफरेंस जो है वो किसका बेहतर है एंड किसके साथ हमें जाना चाहिए। अच्छा मैं जरा स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं मोबाइल से आया हूँ तो मैं थोड़ा सा बैक एंड फोर्थ होऊंगा, प्लीज आप लोग एक्सक्यूज मी अपनी माइक ऑफ कर दे, मैंने आप लोगों को बार बार बताया प्लीज माइक मत ऑन कीजिएगा, ठीक है जी। अच्छा सो इबाद आई एम जस्ट टॉकिंग टू इबाद राइट नाउ, इबाद क्या आप प्लीज कंफर्म कर सकते हैं अगर आप मेरा स्क्रीन देख सकते हैं इस वक्त, ऑन माइक यस सर देख सकता हूँ, यस सर कंफर्म्ड, थैंक यू। अच्छा सो अब ये बात करते हैं हाउ टू मेक ड्रॉप शिपिंग वीडियो एड्स that work. I've written drop shipping video ads, but this goes for almost any product. Lekin obviously agar aap koi bahut high end brand ki taraf jana cha rahe ho to quality will differ and obviously your way of getting things ready in terms of video ad would differ. Coke aur Pepsi is tarah ko to nahi banayenge jis tarah main abhi dikhane wala hu, main abhi sirf drop shipping ke upar baat kar raha hu. लेकिन अगर आप कोई अपना जैसे पीएल प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो तो दोज आर सपोज टू बी इवन हायर क्वालिटी बिकॉज आप एक ब्रांड डेवलप कर रहे होते फ्रॉम ग्राउंड अप, ठीक है। तो उसके ऊपर अभी मैं बात नहीं कर रहा, लेट्स टॉक अबाउट। तो सबसे पहले सवाल ये आता है कि मैं आपको तीन वीडियोस दिखाऊंगा, अल्लाह करे मेरे मोबाइल पे चल जाए, और इन तीनों वीडियोस को प्ले करने के बाद जस्ट लेट मी नो आप क्या समझते हो कौन सा वीडियो एड इज लाइकली टू कन्वर्ट मोर। ओ गॉड प्ले हो जाओ, रुकिएगा जरा।
गॉड वेट गाइस एक मिनट यार Excuse me, एक मिनट रुकिएगा मेरा एक्चुअली थोड़ा सा ये डिस्टर्ब कर रहा है मैं एक मिनट इसको थोड़ा सा सेट कर दूं एक मिनट रुकिएगा अच्छा सही है I think आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है still trying to share the screen अच्छा आप लोग में से कोई जरा प्लीज मेरी स्लाइड्स का लिंक स्टूडेंट्स के साथ पहले शेयर कर देगा I would really appreciate Okay. This was the first one. इसी तरह की आई थिंक ये सेकंड भी मैंने इसी ये देखो लास्ट ओके तो ये मैंने आप लोगों को थोड़े से ऑप्टिमाइज एड्स दिखाए जबकि तीसरे वाले में मुझे एक चीज जरूर फील होती है कि ये थोड़ा सा शॉर्ट कर सकते थे ठीक है द थर्ड वन इज लिटिल बिट फारफेच्ड मैं इससे एक स्टेप पीछे जाऊंगा और एक्चुअली मुझे पहले ये स्लाइड दिखानी थी अनफॉर्चुनेटली वो स्लाइड आ गई इसमें मैंने तीन वीडियो एड्स लगाए हुए आप लोग के लिए ठीक है मैं पूरी प्ले भी नहीं कर रहा मैं सिर्फ बता रहा हूँ इन वीडियोस को आप देखिएगा ये पहली वाली ऑप्टिमाइज्ड है मैं सिर्फ कंपैरिजन के लिए रखी थी सेकंड वाली ये है देखिए आप टेक अ लुक एट दिस वन फॉर अ व्हाइल
ये वही वाली है जो नी वाली थी, नी ब्रेस वाली या नी बूस्टर वाली. अच्छा, सो आई स्टॉप दिस राइट हियर. और मैं आपको बताता हूँ, तीनों इन तीनों में जो ऑब्वियसली विनर है वो फर्स्ट वाले. मैंने बाकी दो क्यों रखी है, ताकि आपको कुछ सब दिखाने के लिए. अब बाकी दोनों में मसला क्या, मैं आपको बताता हूँ. जब आप वीडियो एड ड्रॉप शिपिंग का बना रहे होते हैं ना, तो आप लोगों ने वो देखा है कि हमारे पुराने जमाने में इवन आजकल भी हमारे पास किसी कोई खास प्रोडक्ट के लिए जो है ना, कभी कभी बीच में से थर्ड पार्टी एड्स आते हैं, नॉट फ्रॉम द चैनल, जो कि केबल वाले दिखा रहे होते हैं किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर. ठीक है, वो ऑब्वियसली हमारे पास कमर्शियल टीवी कमर्शियल पे जो एड्स आ रहे होते हैं वो बहुत हाई क्वालिटी होते हैं, तो उनसे तो कंपेयर किया नहीं जा सकता उनको. लेकिन अगर जनरली आप उन एड्स को देखो ना, वो एड्स उस तरह के एड्स ड्रॉप शिपिंग के लिए बहुत अच्छे होते हैं और वो हाईली कन्वर्टिंग भी होते हैं. तो जो जो बीच बीच वाला एड है अभी इस पर्टिकुलर स्लाइड में, और आखिरी वाला जो है, एक मिनट रुकिएगा जरा. मैं जब वही देख रहा था कि नजर तो आ रहा है. ओके, सो जो बीच वाला एड है और राइट वाला जो एड है, ये ऑप्टिमाइज्ड क्यों नहीं है, क्वेश्चन ही आता है. आप लोग के पास स्लाइड्स का लिंक है, आप लोग इसको एक बार प्ले करके देख लीजिएगा. ये ऑप्टिमाइज इस वजह से नहीं है क्योंकि पहली वाली में आपको लोगों को शायद कुछ लोगों को ये लग रहा हो कि मुझे अपेरेंटली ऑप्टिमाइज लग रहा है, क्यों नहीं है, इसमें मसला क्या लग रहा है. तो प्रोडक्ट का यूज बताया हुआ है और प्रोडक्ट कैसे पहन के दिखेगा ये भी बताया हुआ है, लेकिन इसमें कुछ स्टेप्स मिसिंग है जो अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा क्या. और वही सेम चीज रिपीट हो रही है आपके पास थर्ड वीडियो में. थर्ड वीडियो में भी जो है ना इश्यूज हैं इसी तरह के. ठीक है, तो अब आगे चलते हैं. ये एड्स जो मैंने आप लोगों को दिखाए थे, ये तीन एड्स ऑप्टिमाइज्ड है. एंड इनमें से जो पहला वाला एड है वो मेरा खुद का हाथ का बनाया हुआ है. ठीक है, बेसिकली मैंने और मेरी टीम ने बैठ के, एक दो बंदे और हैं जो हम लोग साथ में गुजारते हैं टाइम, हम लोगों ने बैठ के बनाया था. थोड़ा सा लैग हो रहा है, आई एम सॉरी. कौन से सॉफ्टवेयर पे हम लोग बनाते हैं? एनीमोटो, ANIMOTO, सही है. इसमें हम लोग ने $60 पर मंथ की सब्सक्रिप्शन ली हुई है. जितने भी ड्रॉप शिपिंग एड्स हैं हम लोग इस पे जाके बनाते हैं, या तो फिर हम लोग फिल्मोरा वंडरशेयर पे बनाते हैं, और अगर आप लोग को तीसरा कोई सॉफ्टवेयर चाहिए तो आप लोग कैमटेजिया को कंसिडर कर सकते हैं. ठीक है, क्रैक्ड मिल सकता है, वो आप लोग की मर्जी, आप लोग को क्रैक्ड लेना है या नहीं लेना. लेकिन हम लोग जो है, क्योंकि हम लोग ने एनीमोटो क्यों लिया हुआ है, बिकॉज हम लोग की फाइल्स अपने पीसीज पे सेव होती हैं, और अगर मैं किसी काम को कहीं पे लेफ्ट ऑफ करता हूँ और मैं ये चाह रहा होता हूँ कि मेरा टीममेट उसको कंटिन्यू कर ले, तो हम लोग ने बेसिकली क्लाउड सर्विस के ऊपर जो है ना अपना सारा डाटा रखा हुआ है, ताकि इफ आई लीव अ वीडियो फ्रॉम समवेयर वो उसको कंटिन्यू कर ले बाद में, और उसके ऊपर वहीं से कंटिन्यू करके काम करना शुरू कर दे. तो दिस इज द गुड पार्ट अबाउट एनीमोटो, कि अगर आप कोई भी वीडियो बनाते हो तो वो क्लाउड के ऊपर सेव होती है, और बाद में आपका कोई भी टीममेट आके उस वीडियो को बनाना वहां से कंटिन्यू शुरू कर सकता है. तो इस वजह से हमने एनीमोटो को करा हुआ है, वरना वी वुड हैव स्टिक विद फिल्मोरा वेंडरशेयर और कैमटेजिया और साइबरलिंक पावर डायरेक्टर. ठीक है, अब इन वीडियोस में क्या ऐसी चीजें थी जो मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि जो जेल क्वेश्चन था. ठीक है, इफ आई टॉक अबाउट जेल क्वेश्चन में जो चीज सबसे अच्छी है वो ये है कि सबसे पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी हुई है. सिटिंग ऑल डे पुट्स मैसिव प्रेशर ऑन योर लोअर स्पाइन. ठीक है, एंड द कीवर्ड ओवर हियर, द मेन कीवर्ड ओवर हियर इज मैसिव प्रेशर. सही है, बेसिकली दे पुटिंग फियर सबकॉन्शियसली इन योर हेड, एंड स्पेशली फॉर दोस्त जिनको ये इशू है. तो ये उन लोगों के लिए मसला है who have lumbar problems. I have cervical, for example. ठीक है, lot of people who spend all their day on a chair working, उनको lumbar और cervical problems हो जाते हैं over the years. Like I have cervical, I'm not sure, तो अल्लाह ना करे आप लोग में से किसी को हो, लेकिन हो सकता है किसी को शटी का पेन या lumbar sort problems किसी को हो, या किसी ने कभी फेस किया हो. ठीक है, so पहली आपकी वीडियो जो सबसे पहले जो स्टार्ट करें ना, तो इट शुड स्टार्ट विद हाइलाइटिंग अ प्रॉब्लम. ठीक है, कोई प्रॉब्लम हाइलाइट करे जो कि उस प्रोडक्ट को यूज, अभी प्रोडक्ट का यूज नहीं दिखाना है कहीं पे भी. सेकंड जो फेज हो वीडियो का, ठीक है, वो हाइलाइट करे मेड. सो आई एम रियली सॉरी, एक्चुअली ये उल्टा हो गया.
ओके सो मैं अभी सेलफोन पर हूं, मैं इसको रिप्लेस भी नहीं कर सकता. जो आखिरी पिक्चर है ना इसमें, द वर्ल्ड्स मोस्ट कंफर्टेबल सीट कुशन, दिस वाज सपोज्ड टू बी द सॉल्यूशन, इट शुड बी इन द मिडिल. एंड द मिडिल वाली पिक्चर है, इट इज बेसिकली द फीचर. सही है. सो मैं अभी बात करता हूँ द वर्ल्ड्स मोस्ट कंफर्टेबल सीट कुशन, दैट इज वेयर यू प्रोवाइडिंग द सॉल्यूशन टू योर ऑडियंस. ठीक है के सो सिटिंग ऑल डे पुट्स मैसिव प्रेशर ऑन योर लोअर स्पाइन. ठीक है, that is the problem, the world's most comfortable seat cushion. So basically wahin pe aapko bata raha hai ki if you start using this product, this is the solution to your lumbar or shitika problems. Theek hai. And then finally when you're about to end the video, jo third phase hoga, it should highlight the features of the product, like made with medical geared gel for optimal support and durability. And other things, for example, इसमें ये एक छोटा सा पार्ट ये भी बता रहा है कि इतना कंफर्टेबल है कि अगर आप अंडा रख के भी इसके ऊपर बैठ जाओ तो अंडा नहीं टूटता. ठीक है, तो these are some of the things जो ये हाईलाइट कर रहा है. इसी तरह अगर मैं डॉग वीडियो फार फेस्ट है, लेकिन डॉग वीडियो में मैं इसको फेजेस में प्ले करूंगा आप लोग के सामने, ताकि आप लोग को एग्जैक्टली समझ आए कि किस तरह पेन पॉइंट्स के बारे में बात हो रही है विद यूजिंग स्पेसिफिक कीवर्ड्स, और फिर उन कीवर्ड्स का वो ऑपोजिट्स यूज कर रहे ताकि ही कैन हाईलाइट हाउ दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट कैन सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स. सही है. पहले क्वेश्चन, सो क्वेश्चन जनरली आप लोग डिस्क्रिप्शन में, आजकल एज फार एज आई नो ऑलमोस्ट 4 मंथ्स अगो 3 मंथ्स अगो फेसबुक ने एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी थी कि आप अपना एड क्वेश्चन से स्टार्ट नहीं कर सकते. क्यों? इसके दो रीजन है. फेसबुक टर्म्स ऑफ सर्विस में अब ये बात आती है, एटलीस्ट 4 महीने पहले तक आ रही थी. वो ये बोलते थे कि जब आप क्वेश्चन डालते हो तो आप अपनी ऑडियंस के पर्टिकुलर बिहेवियर को पहले से एज्यूम कर रहे हो, और ये बेसिकली एल्गोरिथम के साथ, फेसबुक के एल्गोरिथम के साथ खेलने का एक तरीका था, जो लोग इस तरह क्वेश्चन से स्टार्ट करते थे. क्यों? लेट्स सपोज मुझे सर्वाइकल मसला है, मुझे सर्वाइकल प्रॉब्लम्स है, नेक सर्वाइकल इश्यूज है मुझे. ठीक है, अब अगर मैं कोई एड देखता हूं, डू यू हैव सर्वाइकल इश्यूज, तो ऑटोमेटिकली मेरा जो बिहेवियर होगा ना, मैं उस जगह पे रुक जाऊंगा, क्योंकि मुझे ये होगा कि यार ये एड मुझे टारगेट कर रहा है एग्जैक्टली. मतलब क्योंकि मुझे है ये एक मेजर इश्यू एंड आई एम फेसिंग इट, मैं अगर उस पेन से जा रहा हूं ना, आई विल डेफिनेटली स्टॉप देयर एंड देन. ठीक है, तो ये पहले लोग एड कॉपी में डालते थे. एड कॉपी क्या होता है? जो एड का कैप्शन होता है, विच इज नॉट ऑन द एड बट इट गोज अबव द एड, मतलब जो डिस्क्रिप्शन लिखी भी होती है एड की. सही है, तो लोग वहां पे ये क्वेश्चन डालते थे, तो बंदा ना एक सेकंड के लिए रुक जाता था और सोचता था कि यार ये तो मतलब मेरे बारे में बात कर रहा है. तो फेसबुक ने क्या करा है, फेसबुक ने बोला है कि आप किसी की भी कंडीशन को पहले से एज्यूम नहीं कर सकते, तो इस वजह से हम ये रोक रहे हैं इस तरह के, आप क्वेश्चन से स्टार्ट नहीं कर सकते. आप मतलब क्वेश्चन से स्टार्ट नहीं कर सकते, लेकिन आप कुछ इस तरह कर सकते हो, जैसे कि डू यू हैव सर्वाइकल प्रॉब्लम्स की जगह पे फॉर एग्जांपल जेल कुशन रियली सॉल्व्स सर्वाइकल एंड बैक प्रॉब्लम्स फॉर एग्जांपल, और नेक प्रॉब्लम्स. एग्जांपल दे रहा हूं मैं सब आप लोगों को. ठीक है, या पोस्चर करेक्टर एक्चुअली सॉल्व्स ऑल योर सर्वाइकल एंड नेक प्रॉब्लम्स. ठीक है, तो आप क्वेश्चन करके आप उसकी एंगेजमेंट हासिल नहीं कर रहे, बिकॉज लोग यही करते थे, क्वेश्चन रखते थे, क्वेश्चन की वजह से लोग एक सेकंड के लिए रुक जाते थे और फिर वो उस पर कॉमेंट करते थे. तो कॉमेंट की वजह से जब लोग एंगेज करते ना एड के साथ, तो उस पर्टिकुलर एड के सीपीएम नीचे चला जाता है. आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड. जब भी कोई एड होता है, ठीक है, और उस एड पे एंगेजमेंट हाई आ रही होती है, उस एड की सीपीएम जो कि ऑब्वियसली आपके एंड रिजल्ट को बहुत इंपैक्ट करेगा, सीपीएम बाय फार नीचे चला जाएगा, कॉस्ट पर 1000 impressions. ठीक है, उस एड का ना बहुत नीचे चला जाता है, जिसकी वजह से फिर आपकी क्रेजी एंगेजमेंट आती है और क्रेजी रिजल्ट्स आते हैं. तो अब आप इस तरह करके स्टार्ट कर सकते हैं. तो इस एड में इसने क्या करा हुआ है कि इसने क्वेश्चन से स्टार्ट करा हुआ है, इसने एड में यूज करा, इसने एड कॉपी में यूज नहीं करा. तो फेसबुक का एल्गोरिथम जो है ना, वो वीडियो एड्स में टेक्स्ट को सिर्फ 20% ये देख सकता है. आप लोगों को शायद पता होगा कि फेसबुक एड्स में 20% रिस्ट्रिक्शन है, कि 20% से ज्यादा टेक्स्ट फेसबुक एड्स में नहीं आ सकता, खास तौर पे सिंगल इमेज पे. लोग वीडियो एड में ये करते हैं. वैसे तो मैं आपको बोलूंगा, एट एनी गिवन पॉइंट आपकी कोई भी
फ्रेम चल रहा हो वीडियो का, किसी भी सेकंड पे चल रही हो, कोशिश करें आपके जो टेक्स्ट आ रहा है वीडियो के ऊपर, वो जितनी देर भी वीडियो चल रही है किसी भी स्लाइड पे या किसी भी सेक्शन में 20% से ज्यादा वो वीडियो के बाकी स्पेस को ऑक्यूपाई ना कर रही हो, ठीक है, 20% से ज्यादा ना कर रही हो, नहीं तो आप लोग का CPM और CPC ऑटोमेटिकली हाई हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि फेसबुक एड रोक भी देता है इन मेनी केसेस, लेकिन जहां पे रोक नहीं पाता और उसको ये पता चलता है कि इसका 20 से थोड़ा सा ऊपर है, 25 या 30 तक हिट कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली आप लोग का CPC और CPM हाई चला जाएगा, जिसकी वजह से आप लोग की रीच कम होगी और आप लोग को कॉस्ट ज्यादा पड़ रही होगी, ठीक है। तो इसने सबसे पहले स्टार्ट करा, आर यू ट्रिमिंग योर डॉग नेल्स राइट, वेरी गुड अप्रोच, आप ये कर सकते हो ऑन अ वीडियो एड, ठीक है, बट नॉट ऑन योर डिस्क्रिप्शन। नाउ द ट्रेडिशनल वे कैन बी वेरी डेंजरस, नाउ द कीवर्ड ओवर हियर इज डेंजरस, डेंजरस को हाईलाइट करें अभी। आई होप आप लोग, मुझे पता है कि अभी आप बैक एंड पे आप लोग को क्वेश्चन आ रहे होंगे, मैं अभी उनको एंटरटेन नहीं कर रहा, पहले मैं आपकी बात कंप्लीट कर रहा हूँ। डेंजरस इज द कीवर्ड ओवर हियर, द ट्रेडिशनल वे इज वेरी डेंजरस। नाउ व्हाट इज द ट्रेडिशनल वे, लोग आई गेस नेल कटर लेके डॉग्स के जो है वो नेल ट्रिम करते थे, एंड अगर आप लोग इस वीडियो में गौर करें तो दिस डॉग इज इन पेन एंड ही इज पुलिंग अवे, लुक एट दैट, ही इज पुलिंग अवे, देख रहे पीछे जा रहे हैं, ठीक है। आई वांट टू रिपीट दिस वन मोर टाइम, प्लस इट्स सो फ्रस्ट्रेटिंग। सो व्हाट आर द टू कीवर्ड्स ओवर हियर, द ओल्ड ट्रेडिशनल वे इज डेंजरस प्लस इट इज वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। तो इट इज फ्रस्ट्रेटिंग व्हाई फॉर द ओनर ऑफ द डॉग, कि यार कुत्ते के पीछे भागो किसी तरह यार, क्योंकि ही इज इन पेन, वो आपसे नेल्स ट्रिम नहीं करवा रहा, और आप जो है ना मतलब यूर इन अ कंडीशन जहां पे आपको ये भी हो रहा है कि यार ये बेचारा इसलिए नहीं कटवा रहा क्योंकि ही इज इन पेन। नाउ हियर कम्स द सॉल्यूशन, ठीक है, हियर इज अ बेटर सॉल्यूशन, एंड नाउ टॉक अबाउट, इट्स सो मच इजियर, साइलेंट एंड क्विक। नाउ द कीवर्ड हियर, सॉल्यूशन के बाद साइलेंट क्विक, गोइंग टू रिवाइंड इट अ बिट, साइलेंट एंड क्विक, सेफर साइलेंट एंड क्विक, ऑपोजिट ऑफ डेंजरस, ठीक है, सही है, ऑपोजिट ऑफ फ्रस्ट्रेटिंग एंड डेंजरस, इट इज सो मच इजियर विद दिस अपग्रेडेड पेट नेल्स ग्राइंडर, सही है, इंट्रोड्यूस कर दिया, सुपर म्यूट साउंड दैट, USB रिचार्जेबल, नो बैटरी चेंज नीडेड, दिस इज द फीचर, दिस पर्टिकुलर एरिया वॉज द फीचर, कि यार इजी है इसको चार्ज करना, इतना मुश्किल नहीं है। तो प्लस पहले उसने पेन पॉइंट्स डिफाइन करे, पेन पॉइंट्स के बाद ही इज टॉकिंग अबाउट कि ठीक है दीज आर द पेन पॉइंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में उसने एग्जैक्ट ऑपोजिट यूज करा डेंजरस और फ्रस्ट्रेटिंग का, और उसके बाद देन ही मूव्स ऑन टेलिंग यू अबाउट द फीचर, एक्स्ट्रा फीचर्स, और बाय एडिंग मोर वैल्यू अबाउट द प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट के साथ सिर्फ ये सॉल्यूशन आपको नहीं मिल रहा, इनफैक्ट दीज आर द डिफरेंट फीचर्स that you get with the product. Please mute कर दें अपनी voice को भी. कौन है? Excuse me. हमारे basically पाकिस्तान में लोग करते हैं और इंडिया में बड़ी आग लगाई हुई है. खास तौर पे आप देख सकते हैं क्या होगा. ठीक है. So this is how it goes. इसमें अब मैं थोड़ी सी ना इसमें इन्हीं एड्स में एक चीज बेहतरी लाऊंगा, अब आप लोग प्रोसेस देख लें. तो या हियर इज द प्रोसेस, स्टेजेस ऑफ परफेक्ट वीडियो एड, हाईलाइट विद अ पेन पॉइंट, स्टार्ट विद द पेन पॉइंट, ठीक है, आप उसको हाईलाइट करो, ऑफर अ सॉल्यूशन, ठीक है, अपनी प्रोडक्ट लाओ, बताओ कि आपकी प्रोडक्ट इस प्रॉब्लम को किस तरह सॉल्व करती है, एंड देन एड वैल्यू, मतलब go extra mile and tell the different value that your product is adding to the, basically agar koi customer khareedta hai to usko kya mazid value mil rahi hai by highlighting different features, theek hai. Now the fourth stage is create virality. Now how are you going to create virality, jo maine aap log ko bola, aap log jab engagement, chalo theek hai, people interested in the product, by chance people, matlab let's suppose I have cervical issues, meri फॉर एग्जाम्पल बहन या मेरे फैमिली में कोई जो है इसी एड को देखता है, एनी चांस के उनको जो है ना एड दिख गया, एंड जैसे वो एड को देखते हैं उनको ख्याल आता है कि यार यू नो व्हाट, मुइस को ये इश्यूज हो रहे हैं,
तो मूवीज को सिर्फ मैं टैग कर देती हूँ, लेकिन उनको ऐसा ख्याल नहीं आएगा शायद, अनलेस कि वो वीडियो को देखें पूरा, हो सकता है आ जाए और वो मुझे वैसे ही कॉमेंट्स में टैग कर दें, लेकिन अगर टैग नहीं भी करते तो वॉट यू गोइंग टू डू इज बाय आफ्टर यू हैव हाईलाइटेड द फीचर्स एंड यू से के उसके बाद हाईलाइट करने के फौरन बाद आप ये बोलते हो कि टैग अ फ्रेंड और अ फैमिली मेंबर, ठीक है, हु इज गोइंग थ्रू दिस और हु नीड्स दिस, टैग समवन हु नीड्स दिस, खत्म। एंड ये बहुत पावरफुल मैसेज होता है, आप अपनी ऑडियंस को, वो ऑडियंस जो इवन इस प्रोडक्ट के लिए एलिजिबल नहीं होती, या उन लोगों को ऐड दिख जाता है जो जिनको ये इश्यूज नहीं होते या निकल चुके होते हैं उस मसले से, वो यूजली अपने किसी फ्रेंड या फैमिली मेंबर को जो इस मसले से निकल रहा होता है उसको टैग कर देता है। नाउ व्हाट हैपेंस इज, इससे सेकंड इंपैक्ट जो क्रिएट होता है वो होता है वायरलिटी, हल्की फुल्की जो भी होती है, और प्लस आपका ऑटोमेटिकली सीपीएम जो है वो लोअर हो जाता है उस पर्टिकुलर एड के लिए। ये चीज गिवन है, क्यों? क्योंकि वो होते हैं मुफ्त के इंप्रेशंस। जब आपने किसी फ्रेंड को टैग करा, ऑटोमेटिकली इस तरह 100 लोगों ने ऐड देखा, 100 लोगों में से 20 लोगों को एलिजिबल नहीं थे, लेकिन 20 लोगों के फैमिली मेंबर कोई था या कजन था जो ये इस मसले से जा रहा था, और उन्होंने अपने जानने वालों को टैग करा, दोज आर फ्री इंप्रेशंस दैट यू आर गेटिंग ओवर दोज एड, और आपका ऑटोमेटिकली सीपीएम जो है वो नीचे और चला जाता है, ठीक है। एंड देन लास्टली यू आर टॉकिंग अबाउट कॉल टू एक्शन, शॉप नाउ, ठीक है, दैट्स इट, शॉप नाउ और क्लिक ऑन द बटन और क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, ठीक है, दिस वर्क्स, ठीक है। सो दिस इज, दीज आर डिफरेंट स्टेजेस व्हाट आई बिलीव आर परफेक्ट फॉर ड्रॉप शिपिंग एड्स एज ऑफ येट इन दिस एरा, ठीक है। अगर आप आजकल की टाइम में अगर आप देखो और आप चाहते हो कि यार यू वॉन्ट ऑप्टिमाइज एड्स, आई वुड रिकमेंड यू गो विथ समथिंग लाइक दिस, दिस इज फॉर अ स्टार्ट ऑफ, ठीक है, फॉर अ हेड स्टार्ट, नॉट अ बैड आइडिया। बाद में नाउ पीपल टॉक टू मी, अब ये है जब आप स्टार्ट कर रहे हो, कोई आपको प्रोडक्ट मिला है और आप ये बोलते हो कि यार मैं स्टार्ट कर, अब लोग बोल देंगे कि सर वो तो ठीक है, आपने ये ऊपर वाला एड बनाया, आपने बनाया कैसे, मतलब आपका क्वेश्चन ही होना चाहिए ये वाला एड, एड अच्छा है लेकिन आपने बनाया कैसे, हाउ आर वी सपोज टू क्रिएट एन एड लाइक दिस, मतलब कैसे, आपने वीडियोस कहां से उठाई, या आपने क्या बनी बनाई पूरी किसी की वीडियो उठा के डाल दी, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। मैं वीबीसी में एक वीडियो डालूंगा जिसमें मैं आप लोगों को पूरा वीडियो एड बना के दिखा रहा, अगर किसी आपके कॉम्पिटिटर ने वीडियो बनाई हुई है इस जैसे कि डॉग ट्रिमर है, ठीक है, आपका कॉम्पिटिटर है, आप जाएं फेसबुक पे, आप लिखें डॉग ट्रिमर, डॉग नेल ट्रिमर, सही है, आपको अनगिनत वीडियोस मिल जाएंगी, पहले आप देखें उसमें से हाई क्वालिटी अच्छी वीडियोस कौन सी हैं जो इन स्टेप्स को पूरा कर रही हैं, जो फर्स्ट 3 स्टेप्स है खासतौर पर, पेन, सोल्यूशन एंड फीचर्स, ठीक है, इन 3 स्टेप्स को पूरा कर रही हूं, आपके आपने जो प्रोडक्ट हंट करा है, उसके बाद आप वो वीडियो सारी डाउनलोड करके रख लें और अपना एक स्टोरी बोर्ड बना लें कि पहले मैं ये हिस्सा दिखाऊंगा, फिर ये हिस्सा दिखाऊंगा, फिर ये हिस्सा दिखाऊंगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ, ठीक है। आप कॉपीराइट नहीं, आप उसके कॉपीराइट इश्यूज में नहीं आ रहे, वो आपको रिपोर्ट नहीं कर सकता इफ यू जस्ट पिकिंग 4 to 5 सेकेंड्स ऑफ हिज वीडियो, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ द एड्स जो ड्रॉप शिपिंग आप देखते हैं फेसबुक पर, वो सारे कॉपीड या सप्लायर प्रोवाइडेड एड्स होते हैं, मेजॉरिटी लोग उसके ऊपर ही जो टेक्स्ट आया हुआ होता है ना, जितने भी एड्स आते हैं ना अली एक्सप्रेस पे, अली एक्सप्रेस के सप्लायर प्रोवाइड करता है, सिंपल जैसे कि ये वाला आप एड देख रहे हो, ये वाला, ये सप्लायर प्रोवाइडेड एड है, रुके यार, एक्सक्यूज मी, ये सप्लायर प्रोवाइडेड एड है, देख रहे हैं इसमें ना कोई टेक्स्ट आ रहा है ना कुछ। अब ड्रॉप शिपर क्या करता है, इस वीडियो के 5 सेकंड को उठाएगा, एक और वीडियो कहीं से उठाएगा, फेसबुक से, एक सप्लायर से वीडियो उठाएगा, यूट्यूब से वीडियो उठाएगा, यूट्यूब पे रिव्यूज होते हैं इन प्रोडक्ट्स के, ठीक है, आपको मिल जाते हैं यूजली,
ठीक है, यूट्यूब के जो लोगों के रिव्यूज हैं उनको उठाएगा, इधर उधर से वीडियोस वगैरह उठा उठा के सब कुछ कर कर आके वो पांच 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 चार चार सेकंड उठाएगा, उनको कंपाइल करेगा, वीडियो के शुरू जो है वो प्रॉब्लम को हाईलाइट कर रहा होगा, फिर उसके बाद और हाँ बाय द वे आप स्टॉक वीडियोस को भी ले सकते हो, जैसे कि डू यू नो द पार्ट जहां पे मैंने बोला था द डॉग इज बेसिकली पुलिंग अवे एंड ही इज इन पेन, इस तरह की स्टॉक वीडियोस आप लोग को मिल जाएंगी, ठीक है। सो आपने डिफरेंट वीडियोस को पिक करा एंड आपने उन सबको कंपाइल करके एक वीडियो बना दी एंड उस पर फिर आपने कैप्शन लगा दिए जिस तरह मैंने आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताया है, ठीक है, दिस इज हाउ इट वर्क्स। अब सवाल इस पे एक और आता है, लोग बोलेंगे इसके बाद मुझे पता है कि सर लेकिन अगर वो प्रोडक्ट बहुत फ्रेश है और फेसबुक पे लोगों ने उसकी वीडियोस ही नहीं बनाई हुई क्योंकि वो प्रोडक्ट चली ही नहीं है, मैंने पहली बार ढूंढी उस प्रोडक्ट को, बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि आप कोई प्रोडक्ट लेके आए हो जो कि मार्केट में आप ही हो पहली बार चलाने वाले, तो उसका क्या करें? उसके लिए आप सप्लायर इमेजेस, सबसे पहले स्केलेबिलिटी को छोड़ दें, स्केलेबिलिटी की टेक्टिक मैं अभी बता देता हूं आप लोगों को कि किस तरह, अगर जैसे माशाल्लाह इकरा हो गई, दानियाल हो गए और तीन चार और स्टूडेंट्स हैं माशाल्लाह, पिछले पिछले हर हफ्ते दो से तीन सक्सेसफुल स्टोरीज आ रही हैं लोगों की, किसी ने $2,500 मार दिए $1,000 फॉर $1,200 इन प्रॉफिट, किसी ने $300,000 मार दिए इन अ गिवन मंथ, सही है, विल ऑलमोस्ट 20-30% प्रॉफिट मार्जिन, ठीक है, तो बैक टू बैक स्टोरीज आ रही हैं हमारे पास। स्केलेबिलिटी कैसे करनी है उस बारे में अभी मैं थोड़ी देर में आता हूं। आप लोग ने जब टेस्टिंग करनी है वीडियोस की तो आप लोग ने वीडियो एड ऐसे बनाना है, दिस इज द वे हाउ यू सपोज टू मेक अ वीडियो एड फॉर अ प्रोडक्ट विच यू थिंक इज अ विनिंग प्रोडक्ट, दिस इज हाउ इट सपोज टू बी। अब आ जाए, और अगर आपके पास वीडियोस नहीं है, आप पहले उस प्रोडक्ट को चलाने वाले, तो सप्लायर के पास जाएं, उसके पास नीचे अपने उसी प्रोडक्ट लिस्टिंग के ऊपर हाई क्वालिटी इमेजेस होती हैं। यकीन करें कोरोना के टाइम के अंदर ही एक हम लोग ने, मैं अब आपको बता देता हूं, हम लोग को एक विनिंग प्रोडक्ट मिला था विच इज, आप लोगों को ये बात पता है कि सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से लोग, बहुत सारे ऐसे गेम्स थे, स्पोर्ट्स थे जो बाहर जाके आउटडोर स्पोर्ट्स थे जो लोग बिल्कुल लिमिट कर गए थे कि यार अब हम कैसे करें इसको, कैसे खेलें, तो उसमें से एक स्पोर्ट है जो आप लोग जानते हैं, गोल्फ, सही है, एंड काफी बड़ा इशू हो रहा था इसके ऊपर कि यार गोल्फ, जो लोग गोल्फ खेलते हैं वो तो बिल्कुल ही अपने आप को लिमिट करके बैठ गए, तो इसके लिए एक गोल्फ बैकयार्ड गोल्फ प्रैक्टिस नेट आ रहा था विद प्रॉपर किट्स, किटिंग एंड ऑल, ठीक है, और मैंने अपने क्लाइंट के साथ मिलकर उसको चलाया था, दैट वॉज अ हाई टिकट प्रोडक्ट, हेलो
जी आई एम सॉरी, एक्चुअली मेरी लाइट आ गई थी तो इस वजह से डिस्कनेक्ट हो गया था ऑटोमेटिकली। मैं एक मिनट मुझे मैसेजेस चेक करने दें। ठीक है एक सेकेंड रुकिएगा, शेयर स्क्रीन, स्क्रीन स्टार्ट नाउ। Yeah. So I hope यहां तक आप लोग को समझ आ गया हो। तो सप्लायर वीडियो हम लोग ने प्रोडक्ट पकड़ा था गोल्फ प्रैक्टिस के लिए। वो एक पूरा नेट था विद ऑल द किटिंग एंड एवरीथिंग, और हम लोग ने उसके ऊपर स्लाइड बेस्ड पूरी एक वीडियो बनाई। स्लाइड बेस्ड बहुत सिंपल सी, कैनवा पे जाके स्लाइड बेस्ड, नथिंग, कोई वीडियो नहीं थी वो एज इन, लेकिन हम लोग ने पिक्चर्स को लेके, एक्सक्यूज, या सो हम लोग ने पिक्चर्स को लेके स्लाइड बेस्ड वीडियो बनाई थी। एक के बाद एक वो आ रही थी, कोई थी 20 सेकंड की होगी मैक्सिमम, और उसके ऊपर हमारे पास तकरीबन कोई दिन की 50 सेल्स आ रही थी ऑन अ वेरी वेरी ऑप्टिमाइज्ड कॉस्ट। क्या हो गया यार, ये बार बार स्क्रीन क्यों बंद हो रहा है? आप लोग स्क्रीन देख पा रहे हो क्या? आप लोग प्लीज चैट में बता सकते हो अगर आप लोग स्क्रीन देख पा रहे हो। नो ठीक है, वैसे मैं कुछ स्क्रीन पे दिखा नहीं रहा, तो लेट्स कीप इट क्लोज्ड और मैं काम करता हूँ, मैं डेस्कटॉप से आ जाता हूँ। जी so that's pretty much it for videos. मैं आके बस मैं उससे आ रहा हूँ, डेस्कटॉप से आ रहा हूँ। जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं आके आप लोग के सवालों के जवाब देता हूँ। ठीक है, जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं यहाँ आ रहा हूँ। मैं अच्छा, आप लोगों में से मैं आ रहा जी आई एम सॉरी। सो ठीक है, तो अब मैं आ जाता हूँ इस पर, शेयर कर देता हूँ स्क्रीन। ठीक है, रिकॉर्ड हो रहा है, राइट? हाँ ठीक है। तो अब जैसे आप लोग ये देख सकते हैं कि मैंने ये भी बताया हुआ है कि
ऑप्टिमम जो लेंथ होनी चाहिए एक वीडियो की शुड बी बिटवीन 15 to 30 seconds, इससे ज़्यादा नहीं हो, कभी भी नहीं होनी चाहिए इनफैक्ट. और इसके साथ साथ मैं बस एक पॉइंट और आप लोग के सामने रखता हूँ, देन वी कैन मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन एंड आंसर सेशन, विच इज के थंबनेल कैसा होना चाहिए. तो यहाँ पे मैंने दो थंबनेल की एग्जांपल्स दी हुई हैं. ठीक है, दो थंबनेल्स की एग्जांपल दी हुई हमने यहाँ पे. ये दोनों थंबनेल्स आप, इन दोनों में से कोई भी थंबनेल आप यूज कर सकते हो फॉर योर गिवन प्रोडक्ट. ठीक है, सो इस वाली थंबनेल में क्या खास बात है, इस थंबनेल में खास बात यह है कि इसमें लोग जब पेन को, जब भी पेन की बात आती है ना कहीं पे भी इन वीडियो एड्स, तो लोग उस हिस्से को ब्लैक एंड वाइट दिखाते हैं. तो ऑटोमेटिकली जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने ऊपर थंबनेल में जो मैंने कुछ पिक्चर्स लगाई हुई हैं, इसमें टॉप पर जो वीडियो थंबनेल है उस पर आप देख सकते हैं कि लाइक फॉर दिस प्रोडक्ट, गिवन प्रोडक्ट फॉर नीज बूस्टर. सही है, इस फर्स्ट इमेज में मैंने एक लड़की को दिखाया हुआ है कि शी हैज पेन इन हर नी, एंड इसी तरह एक ओल्ड एज बंदे को दिखाया हुआ है, ही हैज प्रॉब्लम्स विद हिज नी, एंड देन नीचे मैंने जो है ना विद टेक, सही है, विद टेक ये दिखाया हुआ है, दिस इज द राइट वे ऑफ गोइंग अबाउट इट, दिस प्रोडक्ट एक्चुअली शोज के जैसे कि दिस प्रोडक्ट विल सॉल्व योर प्रॉब्लम और इशू विद योर नी. ठीक है, एंड देन आई हैव पुट सम टिक्स ओवर हियर एंड हाउ यू कैन एक्चुअली यूज दिस इन योर जिम, वाइल्ड रनिंग, वाइल्ड वॉकिंग, वट एवर दैट इज. ठीक है, एंड इसी तरह इसी जगह पे अगर आप देखें तो यहाँ पे फिर से मैंने हाईलाइट करा हुआ है लाइक अ गर्ल वेयरिंग द प्रोडक्ट. सही है, इट्स अ नी प्रोडक्ट, उसको मैंने सर्कल से हाईलाइट करा हुआ है. ये इमोजी इज अ वेरी फेमस इमोजी बिकॉज इट बेसिकली शोज कि कितना शॉकिंग रिजल्ट हैं. सही है, तो दिस इज, दिस डज नॉट ऑलवेज वर्क बट दिस वर्क्स a lot of times, so you can show how this basically bas aap, you can put it there by after encircling the product, you can put it there. To iski wajah se hum log ne dekha hai ki at times not just at times, a lot of times aapka click through rate badh jata hai. To hum log in dono ke beech mein split testing kari thi and this thumbnail turned out to be the winning thumbnail. Theek hai, so just remember this. And that's pretty much it for video thumbnails and how video ads should be. ठीक है, और मैं इसके ऊपर एक और बिल्कुल ऐसा ही एक session करूंगा with a little bit more details added to the session, के और क्या क्या किया जा सकता है. और इनफैक्ट मैं आप लोग को पूरी वीडियो खुद बना के दिखाऊंगा कि इस तरह देखे मैंने पूरी वीडियो बनाई है, और उसमें से मैं आप लोग दिखाऊंगा कॉम्पिटिटर की एड्स पकड़ रहूंगा, उसमें से कॉपी राइट इशूज हटा रहूंगा. ठीक है, so yeah, that's pretty much it. Let's move on to the question and answer session and sheet link chhode, aap log aaj jo hai hand raise kar le, main aaj aap log ko aise hi entertain kar leta hu. Theek hai, you guys can raise your hands and main aap log ko waise hi stop sharing. Acha, so first one is Faiza, I'm going to unmute you and take your question. आपने बाय फोर्स, एक्सक्यूज मी प्लीज, या फैजा आप अपने आप को अनम्यूट कर दें. आपने अपने आप को म्यूट करा भाई फैजा, मतलब एक म्यूट मेरी तरफ से होता है जो मैं अनम्यूट नहीं कर सकता, जो स्टूडेंट खुद अपने आप को म्यूट करता है. I'm going to lower your hand right now because I'm under the impression ki shayad aapko question tha nahi, but you've still raised your hand. Theek hai? MA Biz, and I don't know aapka naam kya hai, ask to unmute. Ji, assalam alaikum, awaaz aa rahi hai? MA Biz, please aap apne aapko, haan ji, theek hai. Ek minute rukiyega, isse pehle you can start your question. Haan, ab boliye. जी, मेरा नाम सज्जाद है, पता नहीं किस वजह से ये नाम जो है चेंज नहीं कर पा रहा हूँ मैं, इसलिए अजीब सा नाम लिखा हुआ आ रहा है. ओके, अच्छा, क्वेश्चन मेरा ये है मुइज़ भाई कि अगर मिसाल के तौर पे, पहली बात तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ. आई एम ग्लैड.
क्योंकि मेरा अभी अभी एडमिशन हुआ है कुछ अर्सा पहले, तकरीबन 10 दिन हो गए हैं बूट कैंप में एडमिशन हुए हुए। क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर एक मेरे जैसा स्टूडेंट है जो कि ड्रॉप शिपिंग में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है जी, और वो ऑलरेडी एक या दो स्टोर्स के ऊपर काम भी कर चुका है, पूरी डिजाइनिंग वगैरह ये सारी चीजें, मैनी चैट, फेसबुक, हल्का हल्का सब कुछ मुझे आता है, आप समझ लें एक तरीके से। माशाल्लाह माशाल्लाह, दैट्स गुड। अच्छा, इन्वेस्टमेंट का इशू इसलिए नहीं होता कि अल्हम्दुलिल्लाह इन्वेस्टमेंट के हम समंदर में बैठे हैं, कहीं ना कहीं से इन्वेस्टमेंट खुद ही आ जाती है। आ जाती है बिल्कुल। क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर मेरे जैसा एक आदमी जो जिसको काम आता है, मैं आपको एग्जाम्पल्स भी दिखा दूंगा इंशाल्लाह, वो अगर आपके साथ कनेक्ट होना चाहे और एक्सपीरियंस गेन करना चाहे तो उसकी क्या पॉसिबिलिटीज है? जी जी जी, अच्छा मैं जवाब दूं और या और भी कोई क्वेश्चन है? नहीं, यही ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है मेरे लिए। अच्छा ठीक है। सो मैं पहले एक इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन का जवाब मैं पहले सोच कर रखा हुआ था कि मैं आप लोगों को बता दूंगा। हमारे पास किंडल का थोड़ा बेहतर सिस्टम बन गया है। मैं इसी वीक जो है हम लोग ने बंदा हायर कर लिया है फॉर ड्रॉप शिपिंग, और हम लोग के जो है बेसिकली डैशबोर्ड एक प्रॉपर बनेगा जिसमें आप लोग प्रोडक्ट्स भी, मैं कोशिश में लगा हुआ हूँ इस चीज़ के डैशबोर्ड एक बनवा दे फॉर ड्रॉप शिपिंग जिसमें आप लोग अपने प्रोडक्ट्स पोस्ट करवा सके, फिर उस पर मैं रिव्यू करूँ बैठ के अपनी टीम के साथ, एंड देन आप लोग अप्रूवल्स मिले ऑन ऑल दैट। थोड़ा सा टाइम लगेगा उसमें, लेकिन कम से कम मैंने एक बंदा ले लिया ऑन बोर्ड सो दैट वी कैन स्ट्रीम थिंग्स, स्ट्रीमलाइन थिंग्स। दूसरी चीज़ ये कि मेरे साथ कैसे अटैचमेंट हो किसी की, इफ़ समवन वांट्स टू गेट ऑन बोर्ड with me to start working on their dropshipping store on their product. मैं इसके बारे में कुछ, इसका मेरे पास कोई ठेठ जवाब नहीं है, आई एम सॉरी दो, क्योंकि आपने पूछा, फिर भी मेरा राइट बनता है कि मैं आपके जवाब, सवाल का जवाब दूँ। मैं कह नहीं सकता कि इसका क्या एग्जैक्ट मेथड है या क्या तरीका हो सकता है, बिकॉज आप लोगों ने देखा होगा माशाल्लाह हमारी बहुत बड़ी कम्युनिटी बन गई है 2.5 लाख से ज़्यादा की। रोज मेरे पास 3 से 4 या 6-8 भी एट टाइम्स लोग मुझे टैग करते हैं अपनी प्रॉब्लम्स पे, मैं उनके हल करता हूँ प्रॉब्लम्स, और कभी कभी सिर्फ ये जब मैं जवाब देता हूँ तो मेरे उस मैसेज के नीचे 6-7 लोग 10 लोग मुझे मैसेज कर देते हैं कि प्लीज चेक योर इनबॉक्स। तो अब आप ये सोचें कि माशाल्लाह हमारी 2.5 लाख की कम्युनिटी है ना, और 2.5 लाख में से VBC स्टूडेंट्स को तो मैं कॉमेंट्स पे जवाब दे देता हूँ, ठीक है, फिर BC स्टूडेंट्स के साथ मैं उनको पर्सनली 1-1 करके किसी तरह जवाब देने की कोशिश करता हूँ, इफ आई एम एबल टू फाइंड आउट कि कौन BC है एग्जैक्टली डिटर्मिन कर पाऊँ इस चीज़ को। फिर 1-1 के साथ आप लोगों को पता है कि मुझे कॉल स्केड्यूल होती है, फिर मुझे उनको भी करना पड़ता है। अभी 3-4 दिन पुरानी बात है, मेरे पास एक दिन में 16 कॉल स्केड्यूल थी 1-1 स्टूडेंट्स की। और अच्छा, मैं जब भी किसी के साथ कॉल स्केड्यूल करता हूँ तो मैं अपनी कोई टाइम लिमिट नहीं रखता, बिकॉज मैं ये चाह रहा होता हूँ कि उस शख्स के जो भी पेन पॉइंट्स हैं उनको मैं सॉल्व करवा दूँ, मतलब जितने हद तक मैं उनकी हेल्प कर सकता हूँ आगे बढ़कर कर दूँ। नहीं तो हमें इंस्ट्रक्शंस ये मिली हुई होती हैं कि कोशिश करो 10-15 मिनट में रैप अप कर दो ताकि बाकी स्टूडेंट्स के फौरन बारी आए। बारी सबकी आती है, मैं किसी को इग्नोर नहीं करता, लेकिन ऐसा हो जाता है कि वो एक दिन आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, क्योंकि अगर ज्यादा कॉल स्केड्यूल्ड होती हैं और मेरी हर कॉल तकरीबन 30 मिनट से लेके 1 आवर तक की जाती है। तो ये तो सिर्फ कॉल्स के ऊपर बात हो गई, लोगों को पर्सनल मैसेजेस पे रिप्लाई करना हो गया। मैं ये समझे कि मैं अपने आप को या अपनी फैमिली को भी सही से टाइम नहीं दे पा रहा होता हूँ, तो अटैचमेंट थोड़ा सा एक ऐसी चीज हो जाती है जो कि ज्यादा कमिटमेंट रिक्वायर करती है। मैं अल्लाह करे हम लोग का कोई ऐसा वो तरीका निकले कि मैं तुम्हारे साथ या कोई ऐसे स्टूडेंट्स या हम कोई ऐसा प्लान बना लें, ये हो सकता है कि हम कोई तरीका निकाल लें ऐसा कि एक पूल बना लें हम स्टूडेंट्स का। मैं कह नहीं सकता, मैं कुछ प्रॉमिस नहीं कर सकता, लेकिन कुछ बना लें गोइंग फॉरवर्ड, थोड़ा सा चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो, तो हम लोग कुछ 2-3-4-5 स्टूडेंट्स का, 5-5 स्टूडेंट्स का ग्रुप बना लें या 2-2 स्टूडेंट्स का ग्रुप बना लें जिनके साथ हम हर वीक जो है एक कॉल स्केड्यूल कर लिया करें, उनकी परफॉर्मेंस को ट्रैक कर लिया करें, देख लिया करें वो कहाँ पे स्टैंडिंग है, कभी स्टैंड कर रहे हैं, वो मुझे अपने पर्सनल एड्स दिखा दें। लेकिन मैं अभी कुछ ऐसा प्रॉमिस नहीं कर सकता कि मैं बोलूं कि हाँ यार मैं समझ रहा हूं, मैं समझ रहा हूं आपकी बात। मैं अपना क्वेश्चन रिफ्रेज कर देता हूं आसान बनाने के लिए। ओके, बेसिकली एक परफेक्ट स्टूडेंट वो होता है जो अपने मेंटर के साथ लग जाता है और वो कहता है कि भाई आप जो भी कर रहे हैं मुझे भी वही करवा दे, मैं वही करना चाहता हूँ, ठीक है ना। अब वो कोई भी चीज हो सकती है, एडिटिंग भी हो सकती है, वीडियो एडिटिंग भी हो सकती है, ये मैं पर्सनल प्रोजेक्ट की बात नहीं कर रहा,
हाँ जी, मैं बात कर रहा हूँ बेसिकली टू बिकम अ शैडो ऑफ द मेंटर, बस ये बात है। आई गेट इट, या आई गेट इट, बिल्कुल। देखिए द बेस्ट वे आई थिंक अभी एज ऑफ येट जो हमारे पास चैनल्स मौजूद है उस लिहाज से कि मैं भी ये चाह रहा हूँ कि जिस तरह किंडल में हमारे पास सबसे पहले थोड़ा एक बेहतर सिस्टम बन गया है और यह बहुत तेजी से बेहतर हो रहा है, उसी तरह हमारे पास सिस्टम बन जाए ड्रॉप शिपिंग में, उसी तरह हमारे पास बन जाए अमेजोन एसोसिएट्स में, उसी तरह हमारे पास सिस्टम बन जाए इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में। तो जब ये सिस्टम बन जाएगा ना, तो आई एम प्रिटी श्योर कि आपका जो कंसर्न है और बहुत सारे दूसरे स्टूडेंट्स का भी जो कंसर्न है कि वो एटलीस्ट ये देख पाएं कि मैं किस तरह ड्रॉप शिपिंग स्टोर बना रहा हूँ, या मैं किस तरह कैंपेन्स रन कर रहा हूँ, या लाइव कैंपेन्स को ऐसे एडिट कर रहा हूँ और ये सारी चीजें किस तरह कर रहा हूँ। तो हो सकता है इसका भी बहुत जल्दी सोल्यूशन निकल आए। मैं इसका अभी प्रॉब्लम कोई स्ट्रेट आंसर है नहीं, आई होप यू गेट माय पॉइंट ओवर हियर। इसका कोई स्ट्रेट पॉइंट नहीं है, इसका स्ट्रेट सबसे आसान तरीका ये है कि द मोर पीपल आई गेट इन्वॉल्व्ड इन माय टीम टू मैनेज दीज चैनल्स, ज्यादा चीजें स्ट्रीमलाइन होंगी और उतना ज्यादा चांस होगा कि स्टूडेंट्स अगर कोई एक रियल टाइम केस स्टडीज देखना चाह रहे हैं मेरे साथ मिलके, जैसे कि मैंने फॉर एग्जांपल कोई लास्ट वीक कोई ड्रॉप शिपिंग स्टोर चलाया, उसमें अच्छे रिजल्ट्स आए, तब आप देखना चाह रहे हैं कि अच्छा तो क्या कराया आपने एग्जैक्टली, या कुछ लोग बैठ के एग्जैक्टली उस केस स्टडी को स्टडी करना चाह रहे हैं, या वो अपना केस लाना चाह रहे हैं कि सर ये देखें मैंने ये करा है, इसमें रिजल्ट्स तो आए लेकिन मैं यहाँ पे फंस गया हूँ कि स्केलेबिलिटी नहीं आ रही, ठीक है, तो वो कनेक्शन कैसे डेवलप हो। तो उस कनेक्शन के लिए ही, डेवलप करने के लिए ही मैं टीम एक बना रहा हूँ। अभी पहला बंदा आया है, इंशाल्लाह एक दो बंदे और आ जाएंगे तो चीजें सॉल्व होंगी और इंशाल्लाह ये जो आप चाह रहे हैं ये भी चीजें होना शुरू हो जाएंगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, थैंक यू सो मच मोहित भाई, बहुत शुक्रिया। नो प्रॉब्लम, थैंक यू, वेलकम। ओके सो अनस, आपको अपने आप को अनम्यूट करना। अस्सलाम वालेकुम मोहित भाई। जी वाम सलाम अनस, फायदा प्लीज। अस्सलाम वालेकुम मोहित भाई। जी वाम सलाम मोहित भाई, पहले तो बहुत बहुत थैंक यू सो मच कि आपने आज वॉइस क्वेश्चंस लिए, क्योंकि मैं देर से आपको टैग भी कर रहा था पोस्ट में, तो एक दो रिप्लाई आए थे, थैंक यू सो मच फॉर। जी आपकी आवाज थोड़ी सी कट रही है फायदा, मैं अभी आपका सवाल लेता हूँ, एक मिनट रुकिएगा, आप माहत के बाद आ जाइएगा, इफ आई एम स्पेलिंग इट राइट। जी अनस, अनस आपकी आवाज कट गई है, आपकी माइक पे आवाज नहीं आ रही। हेलो अनस, आपकी ना, हाँ अब बोलिए, आई थिंक अभी माइक आपका सही हुआ था। हेलो जी अनस, सर मैंने आपसे ये पूछना था, बेसिकली मैंने अभी ड्रॉप शिपिंग में आपकी फेसबुक एड्स की वीडियो सीखी थी, तो बेसिकली मैं अभी दो क्लाइंट्स के साथ वर्क कर रहा हूँ, मैंने उनके स्टोर को संभाला है और मैंने उनका स्क्रैच से बिल्ड किया है मैंने उनका पूरा स्टोर। मैं अब फेसबुक एड्स पर आके थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता हूँ जब मैं चीजों को देख रहा होता हूँ, क्योंकि आपने जब बताया था कि जब हम वीडियो टेस्टिंग कर रहे होते हैं तो हम एड सेट पे बजट सेट कर देते हैं $10 का और फिर हम उसको टेस्ट कर रहे होते हैं, तो क्या हम जो फेसबुक हमें साइट पर दिखा रहा होता है कि डेली की पोटेंशियल रीच और फिर कन्वर्जन का रेट दिखा रहा होता है कि डेली कन्वर्जन लाइक 13-37%, क्या हमने उसको चीज को नोटिस करना होता है या फिर हमने उसको इग्नोर कर देना होता है? फर्स्ट क्वेश्चन तो मेरा ये था, और सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है कि क्योंकि मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है फेसबुक एड्स और शॉपिफाई पे, क्योंकि मैं इस टाइम दो क्लाइंट्स के साथ वर्क कर रहा हूँ, तो काइंडली अगर आप मुझे कोई रिकमेंड कर दें या जो मेरी मुझे थोड़ा सा और सिखा सके फेसबुक एड्स का, या मेरी हेल्प कर सके, मीन्स के वो बैक एंड पे ही रहे, फ्रंट एंड पे मैं ही काम करता रहूं और वो बैक एंड पे बस मुझे थोड़ा सा बताता रहे कि इसको चीजों को इस तरह से आप ऑर्गेनाइज कर लो ताकि एक अच्छे वे में मैं क्लाइंट्स को भी दे सकूं और मैं भी सीख सकूं, क्योंकि एक मेंटोर के साथ आप जब सीखते हो तो आप बेहतर सीखते हो। एज आपका वही वाला कंसर्न है, एग्जैक्टली मैं समझ गया आपकी बात, आपका कंसर्न वही वाला है जो एग्जैक्टली इससे पहले था, तो इसका एक काम करते हैं, मैं जिस स्टूडेंट को लिया है ना मैंने अपने साथ, वो मेरे साथ
पहले एड्स भी रन कर चुका है काफी और उसको एग्जैक्ट तरीका पता है कि मैं कैसे करता हूँ और सही जो बेहतर तरीका होता है वो होता कैसे, तो मैं ये कर सकता हूँ कि पहले अगर आप लोग को एड्स चलाने में मसला हो रहा है तो मैं उस डायरेक्ट पहले आप उससे बात कर लें, ठीक है। अगर फिर अगर आप लोग को एस्केलेट करना है और आप लोग ने डायरेक्टली मुझसे बात करनी है तो फिर मैं ग्रुप में ले लूंगा आप लोग को, ठीक है। ग्रुप में मैं लोगों के इश्यूज ले लिया करूंगा, कुछ ऐसा कर लिया करेंगे हम लोग, ठीक है। तो अभी बेहतर तरीका ये कि मैं जो भी आपका मसला है, फॉर एग्जांपल आप बोल रहे हो कि मैं थोड़ा सा फंसा हुआ हूँ कि एग्जैक्टली स्टार्ट कहाँ से लूँ, मैंने पूरी आपकी वीडियो देख ली लेकिन मैं फिर भी कंफ्यूज हूँ कि स्टार्ट कहाँ पे लूँ मैं, या मैं यहाँ पे आके फंस गया हूँ, स्टार्ट ले लिया, इस जगह पे फंस गया हूँ मैं, अब क्या करूँ मैं, तो वहां पे मैंने अपने अपने साथ जो मेरे साथ बेसिकली ईसी में आया उसको मैंने ट्रेन किया हुआ है, सो ही कैन एंटरटेन। अगर आप वो मुझे खुद बता देगा या आप उसको बता दो कि नहीं एक्चुअली ठीक है लेकिन ये एक और एरिया, अगर वो एंटरटेन नहीं कर पाएगा तो वो एस्केलेट कर देगा मेरी तरफ और फिर मैं उस चीज को देख लूंगा। तो पहले तो इस चीज को, ये इसका एक जवाब हो गया। दूसरा जवाब ये हो गया कि एक सेकंड होल्ड कीजिएगा, हाँ मैं आ रहा हूँ 10 मिनट। हाँ इसका अच्छा, तो आपका पहला तो आई थिंक ये था, दूसरा सवाल का जवाब पहले मैंने दे दिया। पहला जवाब जो सवाल था आपका वो ये था कि फेसबुक एड से रिलेटेड था, राइट, कि मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ कि एग्जैक्टली हाउ टू गो अबाउट इट, ऐसे ही है? नहीं मोइस भाई, बेसिकली जब मैं एड अपने, जब हम वीडियो टेस्टिंग के लिए, आपने बताया था कि हम डिफरेंट क्रिएटिव्स लेते हैं, हम उनको टेस्ट कर रहे होते हैं, मैं जब उनको $10 एनालाइज कैसे करूं? नहीं एनालाइज नहीं, मैं बस ये देख रहा था कि जो हमें वो फेसबुक एड सेट पे जब हम डेली बजट सेट करते हैं तो क्योंकि हम सब चीजें डिफॉल्ट ही रहने देते हैं, सिंगल इंटरेस्ट के साथ जा रहे होते हैं, तो वो जो मुझे साइट पर पोटेंशियल रीच और वो मुझे दिखा रहा होता है, कन्वर्जन दिखा रहा होता है कि डेली पोटेंशियल रीच आपके इतने पीपल्स की है और कन्वर्जन आप इतनी से इतनी, तो क्या हम उसको फोकस में लाते हैं या फिर उसको अभी इग्नोर कर देते हैं? मैं बताता हूँ, मैं अच्छा सवाल है। तो मेरे ख्याल से मैंने वीडियो में बताया था लेकिन मैं फिर बता देता हूँ कि पहली बात तो ये ड्रॉप शिपिंग के लिए एक्सपेंड इंटरेस्ट टारगेटिंग को ऑफ रखा करें, पहली बात तो ये हो गई, सिर्फ खासकर ड्रॉप शिपिंग के लिए बोल रहा हूं मैं, बाकी पाकिस्तानी या इंटरनेशनल ब्रांड्स के लिए नहीं बोल रहा मैं, ब्रांड की नेचर के ऊपर होता है, प्रोडक्ट की नेचर के ऊपर होता है, पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज ये हो गई कि आपकी पोटेंशियल रीच कितनी होनी चाहिए, बाय डिफॉल्ट कोशिश करें आपकी पोटेंशियल रीच जो है ना वो 5 मिलियन से ऊपर हो या 5 मिलियन ऑलमोस्ट टच कर रही हो। अगर आपकी 5 मिलियन क्रिएटिव टेस्टिंग में आपका इंटरेस्ट जो है, जो आपने रेलेवेंट इंटरेस्ट ऐड करा है, अगर वो 5 मिलियन हिट नहीं करा तो आप एक दो और उससे काफी क्लोज इंटरेस्ट ऐड कर दो। जैसे कि अगर कोई फिटनेस प्रोडक्ट है तो मैं फिटनेस ऐड कर लूंगा उसमें इंटरेस्ट में। अब आप बोलते हैं कि इंटरेस्ट फिटनेस से फॉर एग्जाम्पल 5 मिलियन रीच नहीं आ रही, आती है मुझे पता है लेकिन नहीं आ रही फॉर एग्जाम्पल, तो मैं उससे रिलेटेड दो और कोई कर दूंगा, मेंस फिटनेस और विमेंस फिटनेस, या फॉर एग्जाम्पल हेल्थ एंड वेलनेस या योगा, समझ रहे? तो जैसे ही वो पोटेंशियल रीच 5 मिलियन हिट करेगा मैं बोलूंगा ठीक है मेरी पोटेंशियल ऑडियंस काफी है, अब मैं यहाँ से प्रोसीड करूंगा। ज्यादा रीच रखने का मकसद क्या होता है? आप ये बोलते हो मुइज भाई हम तो मतलब 5 मिलियन लेजर टारगेटिंग क्यों नहीं कर रहे, हम 5 मिलियन की जगह हम 1 लाख लोगों को, एग्जैक्ट उन 1 लाख लोगों को क्यों नहीं टारगेट करते जो प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड होंगे? आप कर सकते हैं 1 लाख लेजर टारगेटिंग कर लें, आपकी जो कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन है और सीपीसी इतना हाई आएगा क्योंकि फेसबुक अपने मुंह से ये बोलता है कि जब आप रीच ज्यादा रखोगे ना पोटेंशियल रीच, तो हम आपके लोएस्ट कॉस्ट पर एक्विजिशन पे मैक्सिमम लोगों को आपका एड दिखाने में आपको हेल्प करेंगे। आप जितनी नैरो डाउन करोगे रीच, खासतौर पर जब 1 मिलियन से नीचे जाती है खासकर, तो वो आपको इतना महंगा एड पड़ेगा ना, और उस पर मैं बस बता नहीं सकता, बहुत महंगा ऐड पड़ेगा, कभी चेक कर लीजिएगा आप लोग अपनी लाइफ में। तो इस वजह से जो है ना रीच का मैंने आपको एक जवाब दे दिया। और फिर टेस्ट क्रिएटिव टेस्टिंग में आप क्या चीजें एनालाइज करें, आप यूनिक सीटीआर एनालाइज करें, आप सीपीसी सही है वो एनालाइज करें, आप यूनिक लिंक क्लिक्स एनालाइज करें सही है, आप एनालाइज करें आपका अल्लाह भला करे CPM, हाँ कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशंस आपका क्या आ रहा है ये एनालाइज करें, ठीक है। आप ये एनालाइज करें कि आपका वीडियो वॉच्ड परसेंटेज 100% लोग
अगर आपने 5 वीडियोस के बीच में टेस्टिंग करी है तो 100% व्यूज, ज्यादा कंप्लीशन, कौन से वीडियो एड की सबसे ज्यादा हुई है ये एनालाइज करें, ठीक है? ये सबसे इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स हैं जो आप लोग को एनालाइज करने की जरूरत है इनिशियली, क्योंकि क्रिएटिव टेस्टिंग में परचेस आना बहुत मुश्किल होता है। तो आप, इस वजह से मैंने ये बोला कि आप इनिशियली ये चीजें एनालाइज करें ताकि आप लोग को जो ना उस पर थोड़ी सी वो हो, एड आप ये डिटरमिन कर पाए कि आप लोग का विनिंग एड कौन सा है जो लोगों को एक्चुअली अपील कर रहा है, ज्यादा एंगेजमेंट लेके आ रहा है और जिसका कॉस्ट पर क्लिक भी सबसे लोएस्ट आ रहा है। कॉस्ट पर क्लिक होने का, कम होने का मकसद ये होता है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को रीच आउट कर रहे हो। आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। थैंक यू सो मच मोहित भाई जी, बहुत क्लियर हो। मुझे बस ये काइंडली आप मुझे बता दें कि जिनको आपने सिलेक्ट किया हुआ है मैं उनके साथ कॉन्टेक्ट कैसे कर सकता हूँ। मैं आप लोगों को खुद बहुत जल्दी बता दूंगा, अनाउंस कर दूंगा कम्युनिटी। चलें ठीक है, थैंक यू सो मच, वेट कर रहा हूँ बस मैं उस चीज़ का, क्योंकि वो अब मैंने एड रन करनी है क्लाइंट्स के स्टोर पर, तो बस मैं इनिशियल स्टार्ट कर लेता हूँ, तो होप के उस टाइम तक आप अनाउंस कर देंगे। ठीक है, डन हो गया, बिल्कुल बिल्कुल सही है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मोहित भाई, नो प्रॉब्लम, सिला हाफिज। जी महद, आप अपने आप को अनम्यूट कर दे, MAHD महद, आई होप। जी महद सही कह रहे हैं सर, वो मेरे बेटे का नाम है, उनकी स्कूल ज़ूम पे हो रहा था, वो मुझसे चेंज। अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, मेरा नाम मलिहा है सर। मैंने आपको थैंक यू फॉर दिस सेशन, मुझे एक सवाल ये करना था सर, मेरा जो प्रोडक्ट जिसको मैं सोची थी करने के लिए वो एक वो उससे रिलेटेड है, जैसे इवेंट रिलेटेड या जैसे ओकेजन रिलेटेड ना, जैसे बर्थडे आ रही है, तो मुझे उससे लगा कि ड्रॉप शिपिंग के जो टाइम्स हैं 2 to 3 weeks वो वायबल नहीं है, आई थिंक पीपल वुड वॉन्ट इट सूनर। सो सर वुड यू रेकमेंड दैट वन शुड गो फॉर विद अ फुलफिलमेंट सेंटर मॉडल के थोड़ा सा प्रोडक्ट लेके फिर किसी कैसे भिजवा दें जो शिपिंग टाइम कम कर दे, इस तरफ कोई रेकमेंडेशन है आपकी किसी मेथड पे? हाँ, सो मैं दो इसमें आप थोड़ी सी बातें कर लेता हूँ। आई एम सॉरी, मैं मेरी आदत है ये कि मैं बाकी लोगों को बोल रहा हूँ कि मैं जब किसी का आंसर देता हूँ तो मैं उसको काफी थोड़ा सा लंबा इसलिए देता हूँ ताकि बाकी सबको भी क्लैरिटी हो। तो जो इन लाइन वेट कर रहे हैं, आई एम सॉरी कि थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन मैं जवाब पूरा देता हूँ टाइम देकर, ठीक है? तो अच्छा, अब शिपिंग टाइम्स के ऊपर आ जाते हैं। शिपिंग टाइम्स के ऊपर मैं एक वीडियो भी बना रहा हूँ, ठीक है, वो भी आपको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। लेकिन शिपिंग टाइम्स जब मैं आपको बताता हूँ, तो इवन जो प्रो ड्रॉप शिपर्स हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा लेकिन मैं स्केलेबिलिटी की बात कर रहा हूँ। जब इंसान अपने आप को इन्वॉल्व करता है ना CJ ड्रॉप शिपिंग के साथ या VO के साथ या किसी भी समथिंग एक यू समथिंग वाई यू समथिंग एक अजीब सब चाइनीज नेम है और बहुत सारे और हैं जो मैंने अपनी स्लाइड्स में जिनका नाम दिया हुआ है जी। तो ये लोग यूजली जब उनके साथ इन्वॉल्व होते हैं ना, तो लोगों की मेरे पास ये क्वेरीज आ रही होती हैं कि सर उनके पास हमारा प्रोडक्ट ही नहीं है, विनिंग प्रोडक्ट्स इतने नजर ही नहीं आते, हम उनके साथ क्या इंटीग्रेट करें, जो प्रोडक्ट हमने सर्च करा है वो प्रोडक्ट उनके पास होता ही नहीं है। मेरा उनका जवाब ये होता है, और अगर आप लोग सर्च करें तो थोड़ा सा आप लोग को मिल जाएगा। लोग जब स्टार्ट करते हैं ना ड्रॉप शिपिंग, तो वो लोग सबसे पहले करते क्या है कि वो लोग बेसिकली लेट मी पुट दिस इन द राइट वे, वो लोग अली एक्सप्रेस से ही स्टार्ट करते हैं वो, और दिस रियली फ्रस्ट्रेट्स एवरीवन कि यार ई पैकेट 30-40 दिन, व्हाट द हेल इज दिस, ठीक है? एंड इट रियली फ्रस्ट्रेट्स यू, बट हियर इज द थिंग, और ये मैंने कुछ लोगों से पूछा था पर्सनली, ये नहीं बोल के कि मैं ड्रॉप शिपिंग कर रहा हूँ बताओ तुम खरीदोगे नहीं खरीदोगे, लेकिन मैं उनसे पूछा कि मेरे दोस्त वगैरह वो अली एक्सप्रेस से मंगवाते हैं या उनको जब कोई ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट नजर आता है और वो ऑर्डर करते हैं, जैसे कि वाओ प्रोडक्ट्स होते हैं जो आपको आपकी टाइमलाइन पे नजर आ रहे होते हैं, एक्सेप्ट फॉर फ्यू कस्टमर्स, मेजॉरिटी ऑफ द कस्टमर्स ना दे आर वेरी पेशेंट, ऑल दे वॉन्ट इज कि अगर वो आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि मेरा ऑर्डर कहाँ पर है, तो आप उनको टाइमली रिप्लाई ये कर पाओ कि भाई आपका ऑर्डर एक्सपेक्टेड टाइम की डिलीवरी ये है और इतने दिन में, मतलब विच इज 15 days और 20 days में पहुंच जाएगा आपके पास, ठीक है? वो उधर ना काम हो जाते हैं, एट ईज आ जाते हैं, वो बोलते हैं अच्छा चलो ठीक है कोई मसला नहीं है। क्यों? अजीब सी बात है लेकिन ऐसा है कि वो ये ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट्स जो होते हैं ना, ये इंपल्सिव बाइंग होती है, ठीक है? ये इंपल्सिव बाइंग होती है, ये ज्यादा प्लान्ड बाइंग नहीं होती। ऐसा नहीं होता कि आप सोच रहे होते हो सुबह में उठते हो और आप बोलते हो कि आज मुझे पोस्चर करेक्टर चाहिए, आज मुझे फेसबुक एड पे पहला पोस्चर करेक्टर का जो एड नजर आएगा उससे मैं प्रोडक्ट खरीद लूंगा। ऐसा नहीं होता, ये इंपल्सिव बाइंग होती है।
प्लैंड बाइंग नहीं होती। जो प्लैंड बाइंग होती है ना वो ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल मेरे घर में कोई मसला आया हुआ है, ठीक है, जैसे कि मुझे आई डोंट नो डोर हैंडल चाहिए, बिल्कुल जनरल प्रोडक्ट्स जो होते हैं आपके, ठीक है, मुझे मुझे आज मॉनिटर चाहिए, मेरा टीवी खराब हो गया, मुझे टीवी चाहिए, तो आप ये इंपल्सिव बाइंग नहीं होती, आप इसके बारे में सोचते हो। ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट्स आर मोर लाइक इंपल्सिव बाइंग। आज आपने प्रोडक्ट देखा, आपने बोला अरे ये क्या प्रोडक्ट है, ये तो मैंने देखा ही नहीं कभी, वाओ प्रोडक्ट है ना वो, तो आप उसको खरीद लेते हो और फिर आप बस उसके ऊपर कोई ट्रैक इसलिए नहीं रखते क्योंकि आपको पता भी नहीं है कि उसकी क्वालिटी कैसी है। आप जब आते हो फिर आप ऑन स्पॉट देखते हो, अच्छा ठीक है वेल ये प्रोडक्ट कैसा है, क्या मुझे कंफर्ट दे रहा है या नहीं दे रहा, एंड विच इज वाई जरा मीडियम साइज प्रोडक्ट, टिकट साइज और स्मॉल टिकट साइज प्रोडक्ट्स ड्रॉप शिपिंग में ज्यादा चलते हैं कंपैरेटिवली। मैं ये नहीं बोला हाई टिकट नहीं चलते, लेकिन लो टिकट क्यों, क्योंकि वो लोग, लेट्स सपोज मैं आपसे ये बोलता हूँ, एक गिव और टेक बात है, पाकिस्तान में बाइंग पावर कम है। आज अगर मैं आपसे ये बोलता हूं कि ये फॉर एग्जाम्पल, लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल, मैं किस तरह बताऊं, हाँ लेट्स सपोज आपको जूम पे बात करने के लिए माइक चाहिए, ठीक है, और मैं आपसे बोलता हूँ कि ये आप मेरे पास आती है दुकान पे और मैं बोलता हूँ कि ये माइक ले लें, ये माइक बहुत अच्छा है और कंडेंसर माइक्रोफोन है, ये वो बहुत तारीफें कर दी, अपेरेंटली वो आप बोलती है कि यार ये 100 रुपए की वैल्यू के लिहाज से तो कुछ भी नहीं है, मतलब ये जितनी बातें बता रहे हैं इसके बारे में तो ठीक है, 100 रुपए जाया जाएंगे तो चले जाए जाया, मुझे क्या फर्क पड़ता है, सही खता खराब निकला, मैं बोल नेक्स्ट टाइम मैं हर किसी को ये बता दूंगी भाई ये वाला मत खरीदना, मैक्सिमम यही होगा ना इम्पैक्ट। और वो अगर वो 100 रुपए आप बार बार 3-4 बार और खर्च कर सकती है टू बाय अ गुड माइक्रोफोन, सही है, चले 500 रुपए भी आप खर्च कर लेंगे, लेकिन यूएस में यही बाइंग पावर जो है ना वो जरा बढ़ जाती है, लोग $30 to $50 तक अपनी स्पेंडिंग आराम से कर लेते हैं, सोच के चलो बेकार प्रोडक्ट होगा तो क्या जा रहे हैं, खरीद लूंगा, खराब गया तो खराब गया। लेकिन जैसे ही आपकी वो टिकट साइज बढ़ता है ना तो आपके कंसर्न्स बढ़ जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपको कोई नेक्स्ट लेवल पीस टीवी नजर आया, वाओ प्रोडक्ट, सही है कि अपनी न्यूज फीड पे, या आपको गाड़ी कोई नजर आई, कोई अजीब सी गाड़ी ना, मतलब कि आप देख के बोलती हो कि यार ये क्या गाड़ी है, और वो $100,000 की है, आप कभी भी नहीं खरीदोगे जब तक आप उसको जाके फील नहीं कर लेते, जब तक आप उसकी टेस्ट ड्राइव नहीं ले लेते। व्हेन इट कम्स डाउन टू हायर टिकट प्रोडक्ट्स, आप हमेशा उस प्रोडक्ट को जाके टेस्ट करना चाहते हो या उसको फील करना चाहते हो कि ये कैसा है, सही है। तो दिस इज द थिंग अबाउट ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट्स, लोग इंपल्सिव बाइंग कर लेते हैं सिर्फ इस वजह से क्योंकि अमेरिकन को उसका टिकट साइज इतना ऐसा नहीं लग रहा होता कि वो मतलब बहुत बड़ा उनका नुकसान हो जाएगा खरीदने के बाद, तो कर लेते हैं इंपल्सिव बाइंग, ठीक है। तो एक तो रीजन ये है तो कि क्यों लोग अली एक्सप्रेस से स्टार्ट करना चाहिए, मेरा ओपिनियन है, एंड इट्स नॉट लाइक, देखिए नो स्ट्रेटजी इज अ रॉन्ग स्ट्रेटजी, सम पीपल विल डिसएग्री विद मी, सम पीपल विल एग्री विद मी, सही है। मैं ये बोलता हूँ अली एक्सप्रेस से आप टेस्टिंग कर लो प्रोडक्ट की, बिक रहा है प्रोडक्ट, डोमेन तो आप 100 ले सकते हो ना बाद में, प्रोडक्ट बिक रहा है, आपको फील हुआ कि ये बहुत तेजी से बिक रहा है और लोग जल्दी ऑर्डर कर रहे हैं, वेल एंड गुड, ठीक है। अब आपको स्केलेबिलिटी की तरफ जाना चाहिए, अब जब आप स्केल कर रहे हो, आस्क गो टू सीजे ड्रॉप शिपिंग, आप बोलो मुझे ये प्रोडक्ट सोर्स करवाना है, वो आपसे बोलेंगे 70% आप दोगे अप फ्रंट, 30% हम देंगे इसको, वो आप कन्विंस करके उनको 60-40 पे ला सकती हो, सही है। हाँ तो 70% डाउन पेमेंट आप प्रोडक्ट की आप दोगे, ठीक है, और 30% हाँ तो बेसिकली आप दोगे 30% वो देंगे, प्रोडक्ट वो आपको सोर्स करवा के अपने वेयरहाउस में रखवा देंगे जो यूएस में होगा, और वो प्रोडक्ट आप 7 से 10 दिन में आप शिप करा सकते हो बहुत आराम से। इसी तरह जैसे ओबेल्लो मैंने आप लोग को बताया ना, ओबेल्लो इसी तरह, ओबेल्लो के तरह एक और एक इसी तरह इंटीग्रेशन ऐप है जिसका नाम है स्पॉकेट, SPOCKET, स्पॉकेट, आई होप आई एम स्पेलिंग इट राइट, जो भी है लेकिन स्पॉकेट, सही है। सो स्पॉकेट का अगर आप जो पूरा डैशबोर्ड है वहीं से प्रोडक्ट हंट करते हो तो यू कैन बेसिकली, विनिंग प्रोडक्ट्स आपको मिलने थोड़े कम है क्योंकि मुझे फील हुआ कि विनिंग प्रोडक्ट्स की वहां पे अवेलेबिलिटी जरा लो है कंपेयर टू जितने आप, मतलब क्योंकि वो उन्होंने सप्लायर सारे लिंक करे हुए होते हैं एंड ऑल दैट, तो अगर उनकी ही मार्केट से या उनकी डैशबोर्ड से आप हंट करते हो तो आप ये बता दो कि भाई मुझे यूएस से ही प्रोडक्ट मिले, मुझे प्रोडक्ट ऐसा चाहिए जो यूएस में पड़ा हुआ हो, यूएस की जिसकी शिपिंग 5 से 7 दिन की हो, तो वो आप स्पॉकेट से भी सिलेक्ट कर सकते हो जाके।
लेकिन आखिरी बात और लास्ट बात मैं बस इसमें ऐड करूंगा, मैं अपनी एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूं आप लोगों के साथ। सर आप इसीलिए इतनी डिमांड में क्योंकि आप इतनी सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं और ये अभी आज पाकिस्तान में तो है नहीं इतनी, तो इसीलिए आपका आजकल जो इतना बिजी स्केड्यूल चल, दिस इज द रीजन। हाँ थोड़ा सा यही सीन है, तो तभी मैं स्ट्रीमलाइन करना चाह रहा हूँ कि सबको सबके अपने जवाब भी मिल जाए और मेरे पास एक टीम भी हो जाए जो हैंडल कर ले। अली एक्सप्रेस सर मैंने इस प्रोडक्ट पे काम किया था पिछले साल, मैंने यूट्यूब से देख देख के ड्रॉप शिपिंग की थी और ड्रॉप शिपिंग सीख रही थी और जब तक मैंने फाइनलाइज किया मेरी वेबसाइट बनी तो वो कोविड का वो हो गया, उनके यहाँ चाइनीज न्यू ईयर बंद हुआ और उसके बाद कोविड आ गया तो फिर सब रह गया। फिर अब जब आपका कोर्स देखा तो उसको दोबारा कंटिन्यू मैंने कहा अच्छा इसको किया जा सकता है। सो ये आप देख रही हैं न्यू बूस्टर लिखा मैंने ships from यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है ये सारे हमारे पास ऑप्शंस आ गए। ठीक है अब मैं इसको और इसको अलाइन करूंगा ऑर्डर्स के लिहाज से, यही तरीका होता है बेहतर सप्लायर सेलेक्ट करने का। ठीक है अब 3600 आइटम्स सोल्ड, तो इसकी अपनी जो मैं आई वुडंट गो विथ एनीवन, मतलब ठीक है 400 आइटम्स सोल्ड ठीक है 100 एटलीस्ट 300-400 आइटम्स सोल्ड तो आई वुड गो विथ एनीवन हु हैज सोल्ड एटलीस्ट 200 आइटम्स प्लस, अनलेस के ड्रॉप शिप वो कभी हुआ ही नहीं है प्रोडक्ट एक अलग बात है। ठीक है एक मिनट जरा मैं एक चीज और देखना चाह रहा हूं। तो सर आप ये कह रहे हैं कि AliExpress पे ज्यादातर नंबर्स ड्रॉप शिपिंग के आ रहे होते हैं रिफ्लेक्ट वो ड्रॉप शिपिंग। देखें अगर किसी के इतने नंबर्स होते हैं ना वो देखें जनरली आप देखें इसके ओवरऑल इस प्रोडक्ट के ऊपर जो है ना सोल्ड कम आ रहे हैं। ठीक है 14 सोल्ड 17 19 एक ड्रॉप शिपर सप्लायर है जिसके 3000 है तकरीबन 100% किसी ड्रॉप शिपर ने इस सप्लायर को यूज करा हुआ है। अच्छा ठीक है 100% ये इटसेल्फ नंबर्स जो है ना बता रहे हैं ये 400 के बाद एकदम 3500 क्यों हो गया, मतलब इन लोगों के साथ क्यों नहीं हुआ ऐसा। सिंपल बात इसका जवाब ये है कि किसी ड्रॉप शिपर ने इसके साथ काम करा हुआ है। ठीक है तो चले एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात अगर आपके एक और बात सिर्फ ऐड कर रहा हूं मैं दिखाता हूं, अगर आपके तकरीबन लेट्स सपोज मैं एक बात कहता हूं एक मिनट रुकिएगा सो देर लाइक 13 100 तो ये दीज आर लाइक 10% reviews, right? इसमें जरा चेक कर लेते हैं इसके कितने हैं। ठीक है तो दे आर लाइक 336 सो इसके टोटल ऑर्डर्स हैं 3600 9% ठीक है सो बेसिकली होता क्या है कि हमारे पास ड्रॉप कोई प्रोडक्ट ड्रॉप शिप हुआ है या नहीं हुआ उसको एक आसान तरीका इस नंबर को कंपेयर करने का भी होता है कि नंबर ऑफ सोल्ड आइटम्स कितने और उसके रिव्यूज कितने। खैर इस बात को छोड़े मैं आपको सप्लायर सिलेक्शन बता देता हूं, इसका सबसे बेस्ट तरीका यह है कि आपने यहां से यूएस सेलेक्ट करा नंबर ऑफ ऑर्डर सेलेक्ट करा इस सप्लायर को आपने चेक करा यहां पर आप गई यहां पे करने के बाद यूएस को सेलेक्ट करेंगी यूएस को सेलेक्ट करने के बाद अपना प्रोडक्ट सेलेक्ट करें नहीं करें डजंट रियली मैटर आप इस पे जो है ना यहां पे करेंगी यूनाइटेड स्टेट्स यूएसपीएस। ठीक है ये आपको बता रहा है 4 से 13 दिन के अंदर with extra shipping cost of $5.4 which I think is not bad at all बिल्कुल ठीक है आपको ये 4 से 14 दिन के अंदर मतलब within 2 weeks के अंदर ये product जो है ना आपको definitely पहुंचा देगा which I think is a very good number। ठीक है तो this is what you can do कि आप यहाँ पे वो suppliers पकड़ें जिन्होंने अपना जो timing भी जो है बहुत ideal 4 से 13 दिन 7 दिन वाले भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है और इस प्राइस को आप डालें ऑन टॉप ऑफ योर टोटल जिस प्राइस पे आप बेचना चाह रही हैं उस इस शिपिंग कॉस्ट को आप इंक्लूड कर ले इसमें और फिर यू गो अहेड विद दैट। ठीक है आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। हां इट डज थैंक यू सो मच सर दैट वाज वेरी थरो थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। जी फाइज आप अपने आप को अनम्यूट कर दें।
जी आपकी आवाज नहीं आ रही। फैजा आप माइक चेक कर लें, आपकी तरफ लाइक आपकी आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल भी। अच्छा सही है। फैजा आप एक काम करें, I'll skip for now. I'll skip this. I'll have to skip to the next person, or फिर आप you can get back in line. जी इमाद अनम्यूट कर दें अपने आपको। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरी जो नेक्स्ट रिसर्च है ना अमेज़न एफिलिएट्स के लिए सर, वो एक दो दिन में कंप्लीट हो जाएगी सर, फिर मैं ऑडिट आपको कैसे सेंड कर सकता हूँ? मैंने बीसी ग्रुप में भी आपको टैग किया सर, कोई रिस्पांस नहीं मिला, फिर मैंने आपको आपने नेक्स्ट रिसर्च कंप्लीट करी है? हाँ सर बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अब मेरे पास एक बंदा और ऑन बोर्ड आ गया है। आप एक काम करें कि आप उससे कॉन्टेक्ट कर लें, मैं आप सबको अभी अभी मतलब एक दो दिन वेट कर ले, मैं उसका नाम अनाउंस कर देता हूँ, तो आप लोग उससे कांटेक्ट कर लें, आप जिस जिसको अपने प्रोडक्ट या निश अप्रूव करवानी है। ठीक है ओके सर, बेहतरीन है सर। एक दूसरा क्वेश्चन ये है सर कि आप वूकॉमर्स और अली ड्रॉपशिप पे शॉपिफाई को क्यों प्रेफर करते हैं? मतलब सर आपकी कौन सी रीजन है? बाकी तो मैंने ऑनलाइन पढ़ भी लिया है, मतलब वूकॉमर्स को क्यों नहीं कंसीडर करता और अली ड्रॉपशिप को, लाइक वूकॉमर्स और अली ड्रॉपशिप को क्यों नहीं कंसीडर करता और शॉपिफाई को क्यों करता हूं? हां सर बिल्कुल यही मैंने वैसे एक अपने वीपीसी के सेशन में ये बताया हुआ है, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको बस वो जल्दी से ब्रीफली बता देता हूँ कि क्यों है ऐसा। ऐसा इस वजह से है क्योंकि पहली बात ये कि शॉपिफाई वॉज मेड फॉर ओनली ई कॉमर्स, नथिंग एल्स। ठीक है, शॉपिफाई वॉज मेड फॉर ई कॉमर्स, उसमें ग्लिचेस नहीं है, मतलब मुझे फील नहीं हुई, शायद इक्का दुक्का कोई हो तो हो, किसी को फील हो। Whereas WooCommerce में glitches हैं और मैंने खुद experience भी करे हैं, लोगों के अपने शिकायत भी होते हैं। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, WordPress के ऊपर एक plugin है WooCommerce और वो एक और plugin के साथ integrate होता है जिसका नाम है Ali Dropship, और फिर उसके ऊपर आपको एक और payment method plugin integrate करवाना होता है अपने payments को process करवाने के लिए। ठीक है, तो देयर लाइक 3-4 प्लगइन्स जो आपस में इंटीग्रेट होते हैं, जिसकी वजह से थोड़े ग्लिचीनेस भी आती है। ठीक है, वेयर एज शॉपिफाई पे सिर्फ एक ऐप इंटीग्रेट होती है, ऑन स्टोर और एप्स आप कर सकते हो इंटीग्रेट, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन मेन जो कोर जिसकी वजह से ड्रॉप शिपिंग आपकी चलती है वर्डप्रेस पर, आपको वो 3-4 प्लगइन्स इंटीग्रेट करने पड़ते हैं, वेयर एज शॉपिफाई पे आपको सिर्फ एक कोर प्लगइन चाहिए विच इज ओबेलो to start your business model. This is seamless at any given time. At any given time, Shopify will always beat WooCommerce over dropshipping khas taur pe. वैसे भी e-commerce में भी मैं लोगों को recommend करता हूँ कि अपने stores खोलने हैं, user-friendly है, seamless है, ज़्यादा आसान है. E-commerce store जो है, ठीक है, आपका their WordPress पे customization ज़्यादा है, कर सकते हो आप, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन कस्टमाइजेशन यहाँ पे कंपैरेटिवली अगर कम है भी, लेकिन फिर भी सीमलेस एक्सपीरियंस कस्टमर का ज्यादा अच्छा शॉपिफाई पर है, इवन आपके लिए भी एक सीमलेस एक्सपीरियंस ज्यादा बेहतर शॉपिफाई पर है। दिस इज द रीजन आई रिकमेंड, एंड देन देयर अदर रीजंस एज वेल। ओबेलू एक पॉइंट पे जाके आपसे पैसे लेना शुरू करता है, अली ड्रॉपशिप आपसे फ्रंट पे ही शुरू में ही पैसे लेना शुरू कर देता है, आई थिंक दैट्स $100 और समथिंग या $150, ठीक, टू स्टार्ट विद। और फिर और भी देयर कपल ऑफ अदर रीजन जो कि या और देर अदर कपल ऑफ अदर रीजन एज वेल, लेकिन आप कहीं पे भी सर्च कर लो, हर ड्रॉप शिपर हमेशा हमेशा ज्यादा इंपॉर्टेंस देगा शॉपिफाई को ओवर वू कॉमर्स, क्योंकि यू हैव टू गेट ऑन बोर्ड विद वर्डप्रेस, फिर आपको होस्टिंग अरेंज करानी है। और आपको सर, मैं 2018 से कर रहा हूँ, बेहतरीन है सर, बस यही पूछना था, थैंक यू सर। आई एम श्योर कि मैं ये नहीं कह रहा कि आप गलत कर रहे हो,
आप सही कर रहे हो, क्योंकि जो एक्सपर्ट्स हैं, जो जो वर्डप्रेस को बहुत अच्छे से समझते हैं, अच्छा ये तो मेरे ख्याल से आप बात डिसएग्री नहीं करोगे, क्योंकि मैं खुद भी वर्डप्रेस पे काम करता हूं, कि अगर आप वर्डप्रेस के पैनल को फर्स्ट टाइम दिखाओ किसी को भी, और आप शॉपिफाई के पैनल को दिखाओ फर्स्ट टाइम, तो हमेशा एक न्यूबी जो है जिसको नहीं पता वेबसाइट कैसे बनती है, वो बोलेगा यार शॉपिफाई बहुत ईजी लग रहा है दिखने में, और फिर एक्चुअली एग्जीक्यूशन में भी ज्यादा ईजी है। मैं इस बात से डिसएग्री नहीं कर रहा कि वर्डप्रेस में कस्टमाइजेशन ज्यादा है, वर्डप्रेस एज अ होल दुनिया में सबसे ज्यादा शेयर लेके बैठा हुआ है जिसके ऊपर वेबसाइट्स बनी हुई हैं, लेकिन फॉर ड्रॉप शिपिंग आई रिकमेंड शॉपिफाई, क्यों? क्योंकि वो इजी है और लोग जल्दी समझ जाते हैं और ज्यादा बेहतर सीमलेस एक्सपीरियंस हो जाता है उनका। सही है सर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट सर, नो प्रॉब्लम। जी अब्दुल्ला, जी फाइजा, एक सेकंड, मैं फाइजा से सवाल ले रहा हूं पहले। जी फाइजा जी, अस्सलाम वालेकुम सर, एंड आई एम सो सॉरी, आई ट्राइड टू टाइम्स बट देयर वाज समथिंग एल्स गोइंग ऑन। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सो द पॉइंट इज के आई वॉच योर वीबीसीज एंड उसी के साथ ही मैंने मोटिवेशनल उसमें डायरेक्ट ही स्टोर खोल डाला और आई स्टार्टेड लर्निंग विद माय स्टोर, क्योंकि जो मुझे लग रहा था कि जैसे जैसे जो मैं थ्योरेटिकली जो देखूंगी और साथ प्रैक्टिकल करूंगी तो ज़्यादा समझ आएगी। सो आई स्टार्टेड डूइंग दैट थिंकिंग कि ये पैसिव इनकम है और अगर मैं गुड प्रोडक्ट्स उसमें डाल लेती हूँ, बट विद द जर्नी आई लर्नड अ लॉट। Okay. So right now my store is live and we are running ads. Okay. The point is which I'm stuck is the investment, because wo ads to ud rahe hain. Ek kaam kare. So as ji pehle aap complete kar le baat. So as you said, as you mentioned that $1,500 is something ke jahan thoda sa samajh aana shuru ho jata hai ya ye hai ki result oriented ho jata hai. I'm not saying I'm close to that, but it's not very far, kyunki jo product testing ho rahi hai aur different uske upar ho rahi hai, different ad sets pe ho rahi hai. usme main since this is the first time, actually maine हेड ऑन जंप किया है, सो मैं बिल्कुल भी बहुत ज्यादा उसमें नहीं थी पहले, मैं सिंपली वीबीसी और आपके सब लेक्चर्स और जो कुछ उस पर अवेलेबल है इसी के उसके ऊपर, मैं उसके ऊपर अक्सर लोगों का भी देखती रहती हूँ। समटाइम्स किसी का आता है कि ये स्टोर 1000K पे चला गया है और ये, तो लुकिंग एट दोज नंबर्स एंड लुकिंग एट माई सेल्फ, इट्स लाइक अभी कोई ह्यूज गैप है और आई एम नॉट वरीड अबाउट इन्वेस्टमेंट, बट एट द सेम टाइम ये बड़ी जल्दी क्विकली रन हो रहा है। ओके, सो आई वॉन्ट यू टू सजेस्ट, और अगर मैं डायरेक्ट आपको दिखा सकूँ और बात कर सकूँ, क्योंकि ये तो मैं उस स्टेज पे हूँ जो मैं उसके थ्रू लर्न कर रही हूँ। ओके, ठीक है, और ये मेरा अपना स्टोर है। बिल्कुल, अच्छा, सो हियर इज माय सजेशन, सिंस यू जस्ट स्टार्टेड ऑफ एंड इंशाल्लाह ताला यू विल बी देयर जब आप वन गो में ही, बिकॉज जो ड्रॉप शिपर्स होते हैं ना, जैसे कि मैं अब आपको बता नहीं सकता, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं जो अपने रिजल्ट्स पोस्ट कर रहे होते हैं, हर किसी की बात नहीं कर रहे, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कर रहे होते हैं ना, उनसे मेरी वन ऑन वन बात हो चुकी होती है और वो मुझसे स्केलेबिलिटी के बारे में भी सजेशंस ले रहे होते हैं। सो मैं उनके खुद लाइव स्टोर्स को देख रहा होता हूँ, माशाल्लाह उनके बाकायदा केस स्टडीज को देख रहा होता हूँ, वो वाकई बहुत अच्छा कर रहे होते हैं और फिर स्केलेबिलिटी के ऊपर बात हो रही होती है। तो एक चीज कॉमन होती है उनमें और मुझ में, जो कि एक चीज होती है, जो कि जब एक प्रो ड्रॉप, मतलब प्रो ड्रॉप शिपर नहीं बोलूंगा, जिन्होंने टाइम जरा गुजार दिया ड्रॉप शिपिंग में, एक चीज आप कॉमन देखेंगे बिल्कुल, कि वो ये कि जब कोई ड्रॉप शिपिंग में टाइम गुजार लेता है ना, वो सिर्फ एक नजर देख के प्रोडक्ट को बता देता है कि ये प्रोडक्ट कितना पुराना है, अंदाजन कि ये कब 2016 में इंट्रोड्यूस हुआ था, 2017 में इंट्रोड्यूस हुआ था, क्या ये अपने सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच चुका है, नहीं पहुंच चुका, और अगर नहीं पहुंचा, और जैसे कोई प्रोडक्ट आप मुझे अभी दिखाएंगे, मैं बोलूंगा कि ओके, मैं पहले ही समझ जाऊंगा कि ये प्रोडक्ट अभी जो है अभी इतना सैचुरेटेड नहीं हुआ, बिकॉज मैं, क्योंकि मैं खुद भी प्रोडक्ट हंटिंग कर रहा होता हूँ, देख रहा होता हूँ, तो मैं बता सकता हूँ कि अच्छा हाँ, ये मैंने प्रोडक्ट बहुत बार देखा हुआ है, नहीं देखा हुआ, अच्छा दिस इज अ न्यू प्रोडक्ट, ठीक है, इसके ऊपर काम करा जा सकता है, ऐसे करके ना। तो एक तो चीज विद टाइम ये एक्सपीरियंस है,
ये कोई दे नहीं सकता, ये विद टाइम आपको आएगा, एक तो चीज ये होगी। दूसरी चीज, बेहतर तरीका क्या है, आसान है, ये बेबी स्टेप्स आप लें और आप आहिस्ता आहिस्ता करके आप चीजों को क्रैक डाउन कर लें। बेबी स्टेप्स में सबसे पहले मैं आपको बोलूंगा, आप अगर आपने जनरल स्टोर बनाया हुआ है तो आप एक काम करें कि आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की तरफ चले जाएं फौरन से, आपके लिए सेल्स स्कोर करना आसान हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। अब अगर आप चाह रही है कि कॉस्ट आपकी बहुत ज्यादा ब्लीड ना करे और शुरू में कुछ रिजल्ट्स तो आए, ये इसलिए नहीं क्योंकि आप चाह रही हैं कि मैं प्रॉफिटेबल रहूं, इसलिए ताकि आप अपने आप को थोड़ा मोटिवेट कर पाए कि यू स्टे इन द बिजनेस, कॉन्फिडेंट रहो। हाँ yes. तो इसके लिए मैं बोलूंगा आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की तरफ जाएं, हंट इन्फ्लुएंसर्स मैनुअली और थ्रू अ प्लेटफॉर्म, ठीक है, ताकि आप जो है यू गेट क्लोजर टू योर गोल एंड आप उसको इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में कुछ सेल्स लेके आ पाए। कुछ सेल्स से मतलब ये कि लेट्स सपोज हंट इन्फ्लुएंसर्स हु आर रेडी टू पोस्ट योर प्रोडक्ट विद इन अ रेंज ऑफ $25 to $50. ओके, हंट इन्फ्लुएंसर्स बिटवीन दिस दिस नंबर, ठीक है। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के ऊपर मैं एक काम करता हूँ, मैं नेक्स्ट थोड़ा सा मैं बात कर लेता हूँ इंशाल्लाह, नेक्स्ट अल्लाह करे मैं नेक्स्ट क्लास में जो है ना मैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के ऊपर थोड़ा सा बात कर लेता हूँ कि ड्रॉप शिपिंग पे किस तरह काम कर सकते हैं आप लोग। क्योंकि जब भी कोई भी ऐसा प्रोडक्ट भी होता है ना जो बहुत सैचुरेटेड भी होता है, भले से वो सैचुरेशन पॉइंट पे भी आ, लेकिन इन्फ्लुएंसर मार्केट व्हेन यू गो लाइव विद दैट प्रोडक्ट इन इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, वो प्रोडक्ट जो है ना वो सेल करना वापस से स्टार्ट कर देगा अगर वो सैचुरेशन पॉइंट पे भी आ चुका होगा विद नॉर्मल एड्स। टिकटॉक इज सो इन, टिकटॉक हो गया, आईजी हो गया, सही है, स्टिक विद दीज टू प्लेटफॉर्म्स राइट नाउ, और किसी के साथ ना जाए, टिकटॉक एंड आईजी फॉर नाउ। राइट तो माई सजेशन फॉर यू वुड बी कि स्टार्ट विद इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, गेट सम सक्सेस ओवर देयर, इजी है, ठीक है। वंस वहां पे सक्सेस करके आप अच्छा खासा पैसा बना ले, अच्छा खासा सा मतलब ये नहीं बोल रहा मैं कि योर गोल इज के नहीं यार मैं प्रॉफिटेबल हूँ, आप मुझे पता है आप ये चाह रही हैं कि आई नीड टू बी अ प्रो एट दिस गेम, टू बी प्रो स्टार्ट विद इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, स्कोर अराउंड प्रॉफिटेबिलिटी में $500 to $2,000, वंस यू आर देयर देन स्टार्ट विद जंप ऑन टू एड्स, फिर मैं आपको और मुझसे बात करिएगा, मैं आपको और स्ट्रेटजीज बताता हूँ। ठीक है, परफेक्ट सर। और वन लिटिल क्वेश्चन, जब मैंने ये स्टार्ट किया था दैट वाज जस्ट फॉर द सेक ऑफ लर्निंग, कि ये मेरे लिए थोड़ा सा मुझे फैसिनेट कर रहा था कि जैसे ऐसे स्टार्ट करें, बट नाउ व्हेन आई एम इन इट आई हैव दिस क्वेश्चन रिपीटेडली एंड आई एम बीटिंग माई सेल्फ फॉर दैट, कि अगर अली एक्सप्रेस से हम 30 days में डिलीवर करवाते हैं एंड अमेजोन इज डिलीवरिंग नेक्स्ट डे, What is the psyche behind that people will buy from us? देखें, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि Amazon पे हम लोग, जरा गौर करिएगा इस बात पे जो मैं अभी बता रहा हूँ। दराज क्या दराज हो गया या Amazon हो गया या जितने भी giants हो गए, जिनका काम, जिनकी जो marketing strategy होती है ना, वो masses को capture करना होता है on usually products जो लोग इम्पल्सिव बाइंग की तरफ नहीं जा रहे होते, जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स की तरफ होते हैं, ये सारी होती हैं। मतलब वो प्रोडक्ट्स जो लोग अपने जैसे कैरियर से रिलेटेड हो गया, कोई पेंट पेन हो गया, या अगर वो यूट्यूबर है तो उससे रिलेटेड वो स्ट्रीमिंग की चीज़ें ले रहा है, ये इम्पल्सिव बाइंग में नहीं आती ना। तो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, आपकी प्रोडक्ट है, मेजॉरिटी लोग फेसबुक एड से अपने अमेजोन प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं करते, उसका एक बड़ा रीजन क्या है मैं बताता हूँ। लेट्स सपोज आप लोग में से कोई बंदा है जो पीएल प्रोडक्ट में डिसाइड करता है मैं टॉवल की निश में जाऊँगा, टॉवल की, ठीक है, टॉवल की निश में आप लोग जाते हैं और आप लोग क्या ऐसी बेनिफिट दिखा सकते हैं अपने प्रोडक्ट में कि आप बोलो कि दिस स्टैंड्स आउट, यूजली नहीं होता। आप अपने कॉम्पिटिशन को एनालाइज कर रहे होते हो पीएल में और आप ये देख रहे होते हो कि क्या मैं इतनी ब्लीड, आप कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, मैं इतनी ब्लीडिंग करूंगा टू रैंक, गेट माई सेल्फ रैंक्ड, और फिर मैं ये करूंगा फलाना करूंगा, धमाका करूंगा, डिफरेंट स्ट्रेटजीज इंप्लीमेंट करूंगा, एंड देयर आई एम ऑन द फर्स्ट पेज विद गुड नंबर ऑफ रिव्यूज एंड ऑर्गेनिक सेल्स कमिंग इन ऑन डेली बेसिस, दिस इज दैट स्ट्रेटजी दैट यू फॉलो यूजली मोर ऑर लेस ऑन अमेज़न। विद Shopify ड्रॉपशिपिंग यू आर लुकिंग एट प्रोडक्ट्स जो कि लोग डे टू डे लाइफ में नहीं खरीद रहे होते,
those products are the products which are not easily available in the market or one has not seen yet. मतलब बहुत अजीब सी products, products जो आप देख के बोलते हो कि यार ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ, ठीक है? तो इस तरह की products जो लोग impulsive buying में करते हैं ना, there and then, उसके लिए लोग बहुत ज्यादा इंतजार नहीं कर रहे होते कि यार मुझे 30 दिन, वो बोलते हैं सही है आ जाएगा मसला नहीं, मैंने तो ऐसे देखा है और मैं टेस्ट करूंगा इस प्रोडक्ट को. फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी बात करता हूं तो हमारे पास देखिए, मैंने जब स्टोर चलाया था ना तो किसी एक मतलब हमारे पता नहीं कितने 30,000 से 40,000 कस्टमर्स थे जिन्होंने हमसे प्रोडक्ट खरीदा था, राइट? और एक मिनट रुकिएगा जरा, 30,000 से 40,000 कस्टमर्स में से तकरीबन हार्डली लेस देन 5% कस्टमर्स थे जिन्होंने मुझसे ये पूछा था कि हमारा प्रोडक्ट यार कब आ रहा है, इतनी देर हो गई है. मेजॉरिटी लोगों ने पूछा भी नहीं थी ये बात. और मैं ये नहीं बोल रहा कि आप लोग जो है तेजी से प्रोडक्ट मत डिलीवर करो. एक बार आपकी सेल्स आना शुरू हो जाए ना, देन यू कैन मूव टू अ सॉल्यूशन जो 7 से 14 दिन या 10 दिन के अंदर आपका प्रोडक्ट कस्टमर के पास पहुंचा रहा है, वहां पे आप एच उठाना शुरू कर दो. तो दिस इज अ बेटर स्ट्रेटजी दैट यू कैन गो विद. आप अनम्यूट करते फायजा अगर आपका कोई और क्वेश्चन है. हेलो, जी जी जी, कैन यू हियर मी? Yes. Okay. ठीक है जी सर, आई गॉट इट. एंड इट्स जस्ट दैट सिंस दिस इज द स्टार्ट, समटाइम्स आई गेट ओवरवेल्म्ड व्हेन आई सी 3 sets गोइंग ऑन एंड देयर इज नो कन्वर्जन. So it's just that if I can get in touch with you directly here and there. Mm-hmm. Actually, last time I sent you a message too. Mm-hmm. Just to check what we are doing. Is right. This is a general store. Sahi direction hai ki nahi? Okay, theek hai. Theek hai. Just to give us like some heads up, what are we doing and what we should not do. अच्छा, सो एक काम करते हैं ना, मैं वही बता रहा हूँ कि मैं 1-2 दिन 3 दिन में जो है ना अनाउंस करता हूँ इस नए अपने साथ एक और ट्रेनर का जो मेरे साथ अटैचमेंट जिसकी होगी और हम लोग रेगुलर बेसिस पे कोऑर्डिनेट कर रहे होंगे. तो आपकी आप पहले उससे बात कर लें इफ़ देयर समथिंग लाइक, उसके मेरे अंडरस्टैंडिंग और वे ऑफ एग्जीक्यूशन में फ़र्क नहीं है, ठीक है? अगर कहीं पर कोई फ़र्क आएगा भी ना तो मैं एस्केलेट कर देगा, देन आई कैन लुक एट योर एड्स पर्सनली इन्वॉल्व होके. Perfect, perfect, excellent. ठीक है, best हो गया. Okay then. Thank you very much, sir. No problem, no problem. Okay then. Bye bye. जी अब्दुल्ला करीम, please अपने आप अपने आप को unmute करिएगा एक मिनट. जी unmute कर दें आप लोग. आप अपने आप को अनम्यूट कर दें. अस्सलाम वालेकुम सर. सर आवाज आ रही है? अस्सलाम जी जी. सर मेरे 2 questions हैं रिलेटेड टू स्केलेबिलिटी. एंड सर लास्ट टाइम हमारी बात हुई थी सो यू सेड के विनिंग एड सेट्स को एक सेपरेट कैंपेन में डाल के एंड वी ग्रेजुअली स्केल बाय 20% ऑफ आवर इनिशियल बजट. ठीक है, मैं वही कर रहा हूँ. एंड सिंस द लास्ट 2 days मेरे CTR massively drop हो गए हैं, like it's like 1.2% right now, और मेरे ROAS slowly slowly अपने break even point तक आते जा रहे हैं. एक तो सर ये question है, दूसरा सर ये है कि as you said, like you replied me in the group also, it was related to Google Ads and you said के go for manual CPC and I'm running since 3 days और सर conversion माशाल्लाह से Google Ads पे तो 11% से ऊपर जा रहा है rate. मैं एक्चुअली ये भी बताने वाला था फायजा, अगर आप मेरी बात सुन रही हैं तो एक मिनट रुकिएगा जरा, किसी का मैसेज आया मेरे पास, जरा मैं उसको रिप्लाई कर दूं सिर्फ. हाँ,
सो फायजा को मैं ये भी बोलने वाला था, फायजा इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के साथ गूगल शॉपिंग एड्स की तरफ भी देखना, उसका कन्वर्जन रेट बहुत अच्छा है और वो एक जब लोग, मैं एक बात बता रहा हूँ ये अब्दुल्ला करीम को पता होगा क्योंकि वो खुद रन कर रहे हैं, आप लोग को ये बता दूं, ये बात याद रखिएगा, फेसबुक एडवर्टाइजिंग पता है क्या कहलाती है? डिस्रप्टिव एडवर्टाइजिंग होती है। बल्कि अब्दुल्ला मैंने तुम्हें शायद बोला था कि तुम गूगल शॉपिंग एड्स रन करो, राइट? यस सर, आपने बोला था, मैं वही बता रहा हूँ कि मैं मैनुअल सीपीसी चला रहा था एंड द रिजल्ट्स आर वेरी गुड। अब मैं ये पूछ रहा था आपसे कि उसको मैं स्केल किस तरह करूँ नेक्स्ट लेवल पे। हाँ अच्छा सही है, तो मैं बैठी अब्दुल्ला, तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि असल में गूगल शॉपिंग एड्स के साथ जो आप बाइंग होती है ना वो डिसरप्टिव बाइंग नहीं होती, जैसे फेसबुक होता है कोई भी ऐड सामने आ गया, मतलब क्या आप कोई कीवर्ड लिखते हो जिसके बाद वो सामने आता है ऐड, ऐसा नहीं है। फेसबुक एड्स में कोई भी कीवर्ड, कोई भी ऐड आपके सामने आना शुरू हो जाता है रिलेटेड टू योर बिहेवियर,